Guru Jana Kamala Bhajan.
Yeah.
श्रीमद् भागवत का आज द्वितीय दिवस है और बहुत ही सुंदर तरीके से कल हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत की सुंदर सुंदर महिमा। अभी भागवतम शुरू नहीं हुई है, अभी मात्र महिमा सुनाई है महाराज जी ने सुंदर कथाओं के द्वारा, आत्मदेव की कथा और भक्ति महारानी की कथा सुना करके श्रीमद् भागवत की भूरी भूरी प्रशंसा महिमा का गायन किया। आज जो लोग पहली बार आए हैं, कल नहीं आए थे, ध्यान पूर्वक सुनिए। यहाँ पर मनोरंजन नहीं हो रहा, यहाँ पर आत्मरंजन हो रहा है। आत्मा की खुराक के लिए महामंत्र है, कल भी बताया था चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर महामंत्र प्रदान किया, सब मेरे साथ दोहराएंगे, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये महामंत्र है, इसको जितना उत्साह के साथ हम जपें, जितना उत्साह के साथ हम कीर्तन करें, तो ये हमारी आत्मा को पूर्ण रूपेण शुद्ध करता हुआ, हमें भक्ति में स्थापित करता हुआ, हमारी श्रद्धा को दृढ़ता प्रदान करते हुए, हर प्रकार के संकटों से बचाता हुआ, हमें ये भगवान के धाम ले जाता है। तो इस हरिनाम को कलयुग का जो महामंत्र बोला गया है, कोई भी आप कार्य कीजिए, जैसे माताएं बहने रसोई पकाती हैं, तो उसमें से कीर्तन करते हुए आप कीजिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम इसको गुनगुना सकते हैं। आप देखिएगा कुछ ही समय बाद आपको एक हृदय के अंदर ऐसी ऊर्जा मिलेगी, आपको आत्मबल मिलेगा और आपका मन हमेशा पवित्र रहने को करेगा और भगवान की हरि कथाओं को श्रवण करने को करेगा। तो कल हमने बताया था गॉड इज वन, भगवान एक है, और वो कैसे एक है उसको हम समझेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो कि एक भगवान होकर के भी उसमें शक्ति और शक्तिमान दोनों विराजमान है। चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप लोगों को बताने के लिए महाराज यहाँ आए हैं। चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है और राधा रानी उनके साथ उसी चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में विद्यमान। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतार नहीं है, अवतारी है, अवतार तो समस्त अवतार उनसे प्रकट होते हैं, वो अवतार नहीं अवतारी है, ऐसे ही भगवत जिनके अंदर पूर्ण रूपेण विराजमान है भगवतता, वह चैतन्य महाप्रभु स्वयं अवतारी है। इसीलिए एक भगवान जब लीला करने के उद्देश्य से इसको जीवों का उद्धार करने होते हुए यहाँ पर और समस्त लोगों का उद्धार करने और पवित्र बनाने के लिए वही एक भगवान दो स्वरूपों में प्रकट हुआ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की और उनकी शक्ति राधा रानी। तो ये एक भगवान ही अनेकों रूपों में प्रकट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण चंद्र है, कल हमने बताया बंगाल में 1482 ईस्वी में ये मायापुर जो नवदीप नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है और वहां पर मायापुर एक धाम है जो चैतन्य महाप्रभु का धाम है, वहां पर ये प्रकट हुए और इनके मैया का नाम है शची माता, पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। ये और कोई नहीं श्री कृष्ण चंद्र भगवान के जो मैया और पिता है यशोदा माता और नंद बाबा यहाँ प्रकट हुए, जो शची मैया बनकर आई और जगन्नाथ मिश्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु के माता पिता यहाँ प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु फागुन महीने की पूर्णिमा को प्रकट हुए और यही समय था, संध्या का समय था, लेकिन उस समय चंद्र ग्रहण था। अब यहाँ पर यह बताया गया
पूर्णिमा भी है और चंद्र ग्रहण क्यों लगा? भगवान प्रकट हो रहे हैं और चंद्र ग्रहण ये समझ से परे है, तो इसको समझाने के लिए रसिक जनों ने बताया कि जो प्राकृतिक पूर्ण चंद्र है, चैतन्य महापुरुष जो प्रकट हो रहे हैं, तो प्राकृतिक तुच्छ चंद्र की क्या आवश्यकता, उसका क्या प्रयोजन है? तो इसीलिए उसे राहु ने ग्रहण कर लिया, ग्रास बना लिया कि जब असली चंद्र आ चुके हैं चैतन्य महाप्रभु, तो झूठे चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसमें चंद्र ग्रहण लग गया, राहु ने उसको ग्रास कर लिया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो सनातन धर्म में जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थलों में जाते हैं, गंगा यमुना जी में जाके गोते लगाते हैं, स्नान आदि करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए उस समय चंद्र ग्रहण की वजह से लोग बाग डरे हुए सब गोते लगाए गंगा जी में, हरी बोल बोलते हुए। महाराज जी ने कल हरी बोल का बहुत सुंदर तरीके से आपको वर्णन किया था, वही हरी बोल जो है, हरी जब प्रकट हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और वही साक्षात हरी है, साक्षात कृष्ण है। तो जब वो प्रकट होंगे तो समस्त जीव जो उनके अंशी हैं, अंश है, उस अंशी के अंश होने के कारण सबके अंदर वह चमत्कारिता आ गई, सबके अंदर वह भक्ति आ गई, और सब हरी बोल सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हरी बोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल करते करते गंगा जी में स्नान करते, और वो ऐसा सुंदर वातावरण कि भले ही चंद्र में ग्रहण क्यों ना हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं चंद्र है, जब वो प्रकाशित होंगे तो उनकी लालिमा और फागुन महीने में होली होगी, होली के कारण सुंदर रंग से रंजित आसमान और सुंदर वातावरण हो गया, वहां चंद्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं पूर्ण चंद्र चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, इनसे पहले शची मैया की 8 कन्याएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी, जो भी पैदा होती वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती। फिर चैतन्य महाप्रभु से पहले एक पुत्र हुई जिनका नाम रखा गया विष्णु, क्या नाम रखा गया? विष्णु। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो क्योंकि 8 कन्या जिसकी चली गई हो उस माता को हमेशा डर सताता है कहीं ये बच्चा भी चला ना जाए, तो उन्होंने डाकिनी शाकिनी हत्या जो ये गलत प्रकार की हवाएं होती है उनसे बचाने के लिए, और उनके आंगन में नीम का पेड़ होने के कारण नीम के पेड़ के नीचे उनको लिटाया, वहीं का जन्म भी हुआ, और नीम की झाड़ी भी जो पत्ते होते हैं उनके आसपास रखकर के पलंग में, और उनका नामकरण भी निमाई कर दिया, नीम से निमाई, तो उनका एक सुंदर नाम हुआ निमाई। बोलो निमाई पंडित की जय। उनके नाना जी शची माता के पिताजी और कुछ कोटि के जो पंडित हैं और ज्योतिष आचार्य हैं, उन्होंने जब गणना की तो ज्योतिष आचार्य की गणना में देखा गया कि समस्त जो भी नक्षत्र हैं अपने अपने उच्च स्तर पर, सबसे उच्च कोटि के स्तर पर आ गए, और उन्होंने कहा कि इनके गुरु तो साक्षात नारायण के गुरु, ये और कोई नहीं, ये साक्षात विश्वंभर जो भगवान नारायण है वही गुण रखने वाला बालक है, तो इसलिए उसका एक नाम विश्वंभर रखा उन्होंने। जो उनके नाना जी हैं उन्होंने क्या नाम रखा? विश्वंभर, विश्व का जो पालन करते हैं, विश्व को हर प्रकार से जो भक्ति से अन्न से और जो भी हमें चाहिए उससे भर देते हैं, इसलिए नाम भगवान का क्या है? विश्वंभर। और जो असल में देखा जाए तो विश्वंभर का मतलब होता है जो भगवान अपने प्रेम से पूर्ण ब्रह्मांड को भर दे वह विश्वंभर। परंतु चैतन्य महाप्रभु के जो विश्वंभर नाम है
नवदीप ने ना प्रचलित नहीं, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अभी राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी कैसी है? सुंदर, सोने की तरह जिनका रंग है, सोने की तरह जिनकी कांति, वह अंग कांति को लेकर के चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। तो उनको देख करके वहां लोगों ने नाम रखा गौरांग, जिसका अंग गोरा हो, गौरांग। फिर गौर हरि, जो गोरे भी है और हरि की तरह जिनके लक्षण, गौर हरि इस तरीके से पुकारते। और अभी बालक ये जब रोता तो किसी भी प्रकार के खिलौनों से ये संतुष्ट नहीं होता। अब उन्हें याद आया जब उसका जन्म हुआ तो सबने क्या किया था, हरि बोल। आप लोग तो कुछ बोलते नहीं, हरि बोल बोलो, हरि बोल, हरि बोल। उनको याद आया कि ये हरि बोल, हरि बोल की जो ध्वनि हो रही थी तब ये बच्चा प्रकट हुआ था। तो सबने देखा कि इसको किसी भी खिलौने से कुछ भी आनंद नहीं आता, सबने ताली बजा बजा के हरि बोल का कीर्तन किया। और जब हरि बोल का कीर्तन किया तो बालक फिर खिला के हंसने लगा, वह रोता नहीं गया, उसको पूरा आनंद आता रहा भगवान के संकीर्तन में, भगवान के कीर्तन में और हरि की ध्वनि। अब सब समझ गए कि इस बालक को संतुष्ट करने का तरीका एकमात्र भगवान का पवित्र नाम है। सब मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब ये बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आंगन में एक बार जगन्नाथ मिश्र जो उनके पिताजी हैं और मैया सची मैया, उन्होंने देखा आंगन में छोटे छोटे सुंदर से चरण कमल बने हुए, और चरण कमल के जो चिन्ह हैं उनमें ध्वजा अंकुश इत्यादि जो भगवान के चरण कमल में अंकित होते हैं चरण चिन्ह, वो विद्वान उनको देख करके बड़े आनंद हुए और कह रहे हैं अरे सुनो देखो यहाँ पर तो कोई लक्ष्मी या यहाँ पर नारायण स्वयं चल करके यहाँ पर आए, देखो देखो। तो जगन्नाथ मिश्र ने देखा हाँ लगता है भगवान यहाँ आए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए। अभी देखो चरण चिन्ह को भी देखा लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हमारे पुत्र की चरण चिन्ह। वो कह रहे हैं कि रात्रि में यहाँ पर भगवान विद्यमान हुए। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर लीलाएं शुरू हुई चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु को अब जब थोड़े से बड़े हुए तो पाठशाला में भेजा गया। पाठशाला में जब इनको भेजा गया तो ने स्वयं भगवान ने इतने मेधावी छात्र कि जो कुछ पढ़ाते उनको एकदम कंठस्थ हो जाता और अगले दिन आकर के उसको सुनाते और उससे आगे का भी पूछ लग जाते इसका क्या उत्तर होगा। इस तरीके से थोड़े दिनों में उनकी विद्वता देखने को मिली। सब लोग जाते कि यो कि साधारण नहीं है, ये बालक भगवान के गुण लिए हुए है लेकिन अभी भगवान के गुण होते हुए भी ये अपने आप को प्रकाशित नहीं करते थे। और जितने भी प्रकार की वहां शंकाएं होती विद्यार्थियों को उनका समाधान कर धीरे धीरे जब उनके अध्यापकों ने बताया जगन्नाथ मिश्र को कि ये बालक कोई साधारण बुद्धि का नहीं है, समस्त प्रकार के वेद शास्त्र कंठस्थ करने का चंद दिनों में उसने काफी गीता रामायण इत्यादि सब कंठस्थ कर लिया। तो जगन्नाथ मिश्र को डर लग गया। क्या डर लग गया कि मेरा जो बड़ा पुत्र है विश्वरूप वह ज्यादा पढ़ लिख गया और ज्यादा पढ़ लिखने के कारण संसार उसको ऐसा लगा संसार में कुछ भी सार नहीं है और वो घर परिवार का जो प्रेम है उसको त्याग करके सन्यासी बनकर के चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये निमाई जो पढ़ने में इतना मेधावी होता जा रहा है समस्त प्रकार के वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ करके हमें छोड़ के ना चला जाए, इसलिए उन्होंने विद्यालय से उसको निकाल दिया। विद्यालय से जब निकाला तो यहाँ पर बच्चे को या तो पढ़ाओ, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो उत्पात मचाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल जैसे बच्चे लीला करते हैं ऐसी वो लीला करने लगे। चैतन्य महाप्रभु पड़ोस के बच्चों को पीटते, पेड़ किसी का आंगन की तरफ है तो उस पेड़ को तोड़ देते,
किसी के पहले तो पात्र होते थे मटके, उन मटकों को तोड़ना फोड़ना ये सब करके बड़ा उत्पात मचाते, तो लोगों ने कहा इनको वापस विद्यालय भेजो, नहीं तो यहाँ पर ये हमारा जीना आराम कर लो। वापस उनको विद्यालय भेजा गया। अब वहां पर जब ये विद्यालय गए, इतनी तीव्र तरीके से इन्होंने सारे वेद यदि अध्ययन किया, और इनके जो आचार्य हुए गंगादास जी, गंगादास महाराज, उनसे इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समस्त प्रकार के वेदों को अध्ययन किया, और जो दूर दूर से दिग्विजय बनने के लिए आते थे, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे शास्त्री लोग, उनको ये पराजित किया करते थे, इतनी तीव्र बुद्धि थी। तो इस तरीके से समय जब बीता तो जगन्नाथ मिश्र अब इस धराधाम को छोड़ के चले गए। मैया शची ने सोचा कि मेरे पति चले गए, अब ऐसा ना हो कि ये जो मेरा पुत्र है निमाई गौरांग, ये इतना पढ़ लिख गया है, कहीं ये भी संसार को ऐसा जान करके संन्यास ना ले ले, इसलिए इसका विवाह कर देना चाहिए। और उन्होंने वल्लभाचार्य जी हुए, उनकी पुत्री जिनका नाम था लक्ष्मी प्रिया, उनसे उनका पाणी ग्रहण करा दिया। बोलो लक्ष्मी प्रिया की जय, जय महाप्रभु की जय। आज हम इतना ही सुनेंगे, कल फिर क्योंकि महाराज जी बहुत मधुर मधुर कथा सुना रहे, कल फिर चैतन्य महाप्रभु की और कथा सुनेंगे। वांछा कल भी मुझे कृपा सिंधु के जगत का नाम पावे निश्चय गुरु नमः सरसी सचिनंदन गौर हरि की जय। जोश से कल सरसी सचिनंदन गौर हरि की जय। सरसी चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री नारायण। अरे पीछे पीछे थोड़ा ताली बजा कर कीर्तन कर, ठीक है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम इसका नाम है महामंत्र। महामंत्र मतलब जितने जगत में मंत्र है वो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है महामंत्र। इसमें भगवान का तीन नाम है, पहला है हरि। हरि मतलब क्या? हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, हरि से हरे। अगर हरि नाम करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी दुख कष्ट सब समाप्त हो जाएगी। दूसरा नाम है कृष्ण। बोले कृष्ण मतलब क्या? बोले हमारा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। अगर क्री बोलोगे कि जो भटकता हुआ मन इधर उधर नहीं भटके। हसना मतलब जो आनंद देगा। और रामा, रामा मतलब जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। अगर ये नाम करोगे ना, आपका तीन फल मिलेगा। कितना फल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा बोलो? हरे मतलब देखो, तो आपके कोई फटो दर्द पर ध्यान मत देना, हमारे बढ़िया बढ़िया फटो ले रहे, इसलिए हरे मतलब होता है हमारे दुख कष्ट हर जे। और कृष्ण मतलब मन चंचल, मन भटकने नहीं और जीवन में शांति मिले। राम मतलब जीवन में आराम दे। अगर ये नाम करोगे आपको तीन फल मिलेगा। और कीर्तन करते समय ताली बजाते हुए क्या करोगे? ताली बजाना, क्योंकि ताली बजाने पर सारे पाप उड़ जाएंगे। अब जो नहीं बजाएगा, अब जो बजाएगा उसका पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो नहीं बजाएगा। इसलिए सबके सब ताली बजा देंगे। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम।
Hare Rama, Hare Rama,
पाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माध भक्ति स्वरूप सिद्धांत स्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात परिशिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये श्रीमद् भागवत कथा की महिमा, उसमें हम लोगों ने श्रवण किया है अगर पापी से अगर कोई पापी हो कहते गया में अगर एक बार पिंड दे दो ना किसका भरने का बाद उसको जल्द मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जब धुंधुकारी ने अपना शरीर छोड़ा और आत्मदेव ने गया में पिंड दिया फिर घर में आया देखा घर में फिर धुंधुकारी भूत बनकर बैठा हुआ बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दी तेरे को उद्धार नहीं हुआ। बोले भैया इतना पापी इतने बड़े पापी है मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दोगे ना मेरे उद्धार नहीं होगा। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति कैसे मिली जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा सुनी। इसका तात्पर्य यह है हम जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो एक बार आओ और भागवत कथा में बैठो भागवत कथा श्रवण कर लो। पापी से भी अगर पापी क्यों नहीं हो भागवत उसे भगवत चरण में मुक्ति भगवत चरण में उसको भक्ति और भगवत चरण को प्राप्त करा देता है। पापी से पापी को भी मुक्ति देता है। अगर कोई बोले हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं हम सुनी सुनाई कथा कितने सुने अरे अभी बहुत बार कथा सुने हमें सुनने का कोई जरूरत नहीं तो इसके लिए उदाहरण देते हैं कहते आप सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो ये भागवत कथा में इतने रस है उसमें इतने आनंद है इतने रस इतने आनंद है इसलिए भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोले वर मांगो बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले क्यों 2 कान तो बढ़िया लग रहा है अगर पूरा शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छे थोड़ी लगे। बोले नहीं कान तो 2 ही हो लेकिन दोनों कानों में कथा सुनने का इतनी शक्ति दो जैसे 10,000 कानों में जितनी शक्ति हो केवल तुम्हारी कथा सुनते रहे। इसलिए जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कहीं कथा हो रही है बोले प्रभु कहीं की कथा जैसे हमारी चूक नहीं जाए जहाँ जहाँ कथा हो मैं उतना रूप धारण करते हुए तेरी कथा में सुनते रहूं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई कृष्ण कथा जय सोना ता हम तो कथा सुनते सुनते बोर हो गए। गोस्वामी जी कहते भैया ये समझो भक्ति रस क्या चीज है उसको पता ही नहीं इसलिए भगवान की कथा जितने सुना क्या लगे और सुने और सुने और सुने। देखो आप लोग ने हनुमान का नाम जानते हो कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो सब सुने भगवान राम
हनुमान को कहा करते थे, बोले बेटा कभी कभी सत्संग में जाया करो। हनुमान जी कहते सत्संग में क्या जरूरत है, सत्संग में जाने का क्या जरूरत है, सत्संग में तो यही बोलते हैं भगवान का भजन करो, भगवान का नाम करो, भगवान की सेवा। इनके बच्चों को निकाल दो यहाँ से, अंदर से निकाल दो बच्चों, इसलिए सत्संग में तो यही बोलते हैं ना, भगवान का नाम कीर्तन भजन करो। ऑलरेडी में तो कर ही रहा, पर ये सत्संग में जाने का क्या जरूरत है। भगवान ने कहा देख बेटा, अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, जो भजन कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाए। जैसे अपने गमला में एक पौधा लगाए, अगर पानी नहीं दोगे तो कब तक पौधा रहेगा, वो सूख जाएगा। इसलिए सत्संग में, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनो सुलभ नाश होई। जब तक सत्संग नहीं करेगा ना, तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भजन नहीं कर सकते हो, और जब तक भगवान राम की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलती। इसलिए कहा बेटा कभी कभी सत्संग में जाया करो। एक दिन हनुमान जी ने सोचा हर समय प्रभु राम कहते सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, एक बार कथा में जाकर के देखता। वो गए काक मुसुर की कथा कर रहे थे, सबसे पीछे बैठ गए, और काक मुसुर की कथा कर रहे थे, जिस समय रावण ने सीता को उठा करके ले गया, इतने में हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र पर लांग करके चला गया, और देखा माता सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई बड़ी दुख में, राम की विरह में बड़ी दुखी है। हनुमान जी को नहीं बल्कि स्वयं शंकर जी है, उनको बड़ा क्रोध आया, उन्होंने क्रोधाग्नि से पूरा लंका जला करके राम बनाया। लेकिन हनुमान वहां पर बैठा हुआ है, बोले देखो ये इतने झूठ बोल रहा है, मैं स्वयं हनुमान यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने मेरी कथा पर झूठ, मैं लंका एक छलांग लगाकर थोड़ी पहुंचा हूँ, बीच में तीन दिन बार परीक्षा हुई, लंका में प्रवेश करते लकड़ी घुसने नहीं दी, एक मुक्का मारे तो छक्का छुड़ा दी, फिर विभीषण से मुलाकात हुई, पर विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में जाओ, फिर मैंने फल खाने के लिए गया, फिर मेघनाथ ने बांध करके लिया, फिर पूछ में जब कपड़े बांध करके मिट्टी का तेल लगा जब डाल करके आग लगाई, फिर मैंने ये लंका को जलाया। लेकिन ये क्या कह रहा है, छलांग लगाया और क्रोधाग्नि से लंका जला दिया, तो सत्संग बेकार है, ये जो झूठ मूठ बात बोलते रहते हैं। वापस आ गया, भगवान ने राम ने पूछा क्यों हनुमान जी तुमने सत्संग सुनी भी नहीं, बोले प्रभु इतने सुंदर सत्संग हो रहे थे, जिंदगी में हमने कभी ऐसी कथाएं नहीं सुनी। अभी हनुमान जी के मन में शंका है, प्रभु राम को ये बात पता चला, लेकिन ये काक मुसुर कौन है, बोले भगवान ने नाम एक बार नहीं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार भगवान राम जगत में आते हैं, और प्रभु जो लीला करते हैं ना, हर अवतार में प्रभु अलग 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 लीला करते हैं। ये काक मुसुर कब से है, कितना बार भगवान राम और आए बन चले गए, लेकिन वही काक मुसुर बैठा हुआ और नित्य निरंतर प्रभु राम की ये कथा सुनाते रहते हैं। अभी प्रभु राम को पता चला, भैया हनुमान के मन में शंका थी, लेकिन इनको पता नहीं मैंने कितना बार आया हूँ। अभी ये बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान राम अपना अंगुल से मुद्रिका निकाल रहे थे, इतने में वो मुद्रिका गिर पड़ा, बोले राम बोले हनुमान ये मुद्रिका मेरे को उठा करके दोगे। हनुमान जी जब मुद्रिका को पकड़ने के लिए गया, वो मुद्रिका इतने तेज भाग रहा था, क्योंकि हनुमान में भी अभिमान था, जगत में सबसे ज्यादा तेज भागने वाला मैं, लेकिन उसने एक मुद्रिका को पकड़ नहीं पाया। ऐसे करते 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 मुद्रिका एक गुफा में प्रवेश किया, जब हनुमान जी प्रवेश कर रहे थे देखा एक बंदर बैठा हुआ, बोले भैया तुम कौन कहाँ जा रहे हो, बोले मेरा नाम हनुमान, बोले हनुमान इतने कमजोर, हमारे हनुमान तो अंदर में बैठे हुए विशाल काय हनुमान है,
हनुमान तो चक्कर में पड़ गए। बोले भैया मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ही हनुमान हूँ। कहते हमारे अंदर में बहुत बड़ा हनुमान बैठा हुआ। हनुमान तो बड़े चतुर है। बोले आपका हनुमान से मैं मिल सकता हूँ? बोले मैं उससे प्रश्न पूछ करके आता हूँ। लेकिन वो हनुमान को सब कुछ बताए। बोले कहीं से एक छोटा सा हनुमान वो आपको दर्शन करना चाहते हैं। बोले बुला के खिलाओ। जब अंदर में गए देखा विशाल काय हनुमान की बैठे हुए जिनकी रोम रोम से रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा कभी भी काक बुजुर्ग की कथा में कभी अविश्वास नहीं करनी चाहिए। और जो काक बुजुर्ग बैठा है ना वो कितने कल्प से बैठा हुआ है। भगवान राम एक बार नहीं कितना बार आ चुके हैं। वो काक बुजुर्ग जो कथा सुना रहा था जिस हनुमान की मेरी बात सुना रहा था। भगवान मुझे इतने शक्ति दिया था मैंने एक छलांग में लंका में पहुंचा और मैंने क्रोधाग्नि से पूरा लंका को जला दिया था। इसलिए हनुमान कभी कामोसुरी की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। जाओ वो मुद्रिका वहां पर पड़ा हुआ ले जाओ। जब लेने के लिए गए देखा एक सा बहुत सारे मुद्रिका वो चक्कर में पड़े। भाई भैया इतने मुद्रिका कहाँ से आ गए? बल्कि इतना मुद्रिका कहाँ से आ गई? बोले जब जब किसी हनुमान को शंका हो जाती है भगवान को यहीं पर भेजते हैं तभी उनकी शंका दूर होती है। फिर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की। क्यों? हनुमान जी सोच रहा था सत्संग करने का क्या जरूरत, मैं तो सब जानता हूँ। फिर हनुमान को पता चला भैया मैं तो कुछ ही नहीं जानता हूँ। इसलिए हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कहीं भी भगवान की कथा होगी जरूर भेजाऊंगा। इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम। आप देखना जितनी जगह पर प्रभु राम की कथा होना सबसे पहले हनुमान की तस्वीर लगाते। बोले क्यों? बोले सबसे पहले श्री हनुमान पहुंचते हैं। कहाँ बैठते हैं? सबसे पीछे बैठते हैं। कैसे बैठते हैं कैसे नहीं ध्यान देकर सुनो। ऐसे नहीं आए और बैठ गए, नहीं। आकर के जितने कथा सुनने वाले उनको प्रणाम करेंगे, जो कथा बोलते हैं उनको प्रणाम करेंगे, जहाँ पर कथा हो रही है वो स्थान को प्रणाम करेंगे और बैठे कैसे हाथ जोड़ करके। कैसे बैठेंगे? हाथ जोड़ करके, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए और जिनकी रोम रोम से है, जिनकी रोम रोम खिलता हुआ होगा रोम रोम उनकी, बड़ी भावना से भगवान की कथा श्री हनुमान जी श्रवण करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते भैया कथा कौन सुनेगा? बोले पापी से अगर पापी भी सुनेगा कथा उससे भी मुक्ति प्रदान करेगी। अगर ज्ञानी से अगर ज्ञानी क्यों नहीं हो वो भी कथा सुन सकते हैं। क्योंकि कथा सुन करके जितने सुने उतना लगे और सुने और सुने और सुने, जितना सुने और सुने और सुने और सुने, उसलिए कथा सभी सुन सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय जय श्री राधे। बोले सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत को प्रारंभ करते ही वो तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण किया। बोले मंगलाचरण का मतलब क्या?
मतलब कोई भी काम करो अगर मंगलाचरण को साथ में करो ना, वो काम जरूर तुम्हारी बनेगा, उसमें कोई बाधा विपत्ति नहीं आएगी। मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है, बोले जन्मादस्य जतोन्मयादितरतस्य स्वाधी स्वभिक्ख स्वराट तेने ब्रह्म हृदयो आदितमय मोहिहति चक्षुरयो तेजो परिमृता यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग पृषा ध्यानना स्वेन सदा गिरस्तत्वकम् सत्यं परम धीमहि। कभी भागवत का पहला श्लोक है, वो इतने बढ़िया श्लोक है, हमारे गोस्वामियों ने एक श्लोक में उन्होंने पूरी भागवत को दिखाया। पहला श्लोक में पूरी भागवत दिखाई, जो पहला श्लोक है इसमें क्या बताए, बल्कि ये भागवत ग्रंथ का इष्ट कौन है, भागवत ग्रंथ का इष्ट कौन है, बोले सत्यंग परम धीमहि, कहते परम सत्य को प्रणाम करते, क्योंकि शास्त्र में बताया सत्यमेव जयति। आप देखना हर मुद्रा में लिखा होता है सत्यमेव जयति, जगत में सत्य का ही जय है। इसलिए पांडवों ने सत्य को उन्होंने आश्रय की, लास्ट में किसकी जय हुई, पांडवों का। लेकिन दुर्योधन ने असत्य को उन्होंने ग्रहण किया, परास्त किसको हुई, दुर्योधन की। इसलिए कभी भी किसी अवस्था में भी हमें कभी सच को भूलना नहीं चाहिए, झूठ को कभी, जितने भले ही झूठ को तुम प्रमाण करने के लिए जाओ, लेकिन एक दिन तुम्हारी पराजय निश्चित रूप। देखो एक समय कोई एक राज दरबार था, राज दरबार में एक समय एक व्यक्ति आकर के जो शौच था उसने कहा महाराज जी आपका देश से मैं जा रहा हूं। बोले कोई बात नहीं जाओ। जो लक्ष्मी थी बोले महाराज जी आपका देश से मैं जा रहा हूं, तू जा। जो सरस्वती विद्या थी बोले महाराज जी तुम्हारी देश से मैं जा रहा हूं, बोले तू जा कोई बात नहीं। एक एक करके सब के सब चले गए, लेकिन इस सत्य ने आकर के बोले महाराज जी मैं जा रहा हूं। बोले तुम कौन हो, बोले सत्य हो। बोले नहीं, आपकी बल पर मैंने एक एक करके सबको विदाई दे दिया, लेकिन मैं कभी आपको विदाई नहीं दे सकता हूँ। क्यों, मैं सत्य को ऊपर में टिका हुआ हूँ, मेरा विश्वास है अगर जीवन में सत्य को अगर हम ग्रहण करेंगे, जितने और जितने गुण हैं वो अपने आप आ जाएगा। इसलिए उसने सत्य को त्याग नहीं दिया, नहीं दिया तो और जितने गुण चले गए थे ना वो अपने आप चले आए। यहाँ प्रश्न है बोले भैया वो परम सत्य है कौन, ये परम सत्य कौन है, बोले किसको ऊपर में अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग बात बताई। बोले परम सत्य श्री शंकर जी, जो शंकर जी को पूजा करते हैं। किसने कहा परम सत्य श्री हनुमान जी, किसने कहा परम सत्य देवी मैया, किसने कहा परम सत्य श्री गणेश जी, सबके सब अलग 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 बात की। लेकिन श्री बल्लभाचार्य कहते ही नहीं, ये कोई भी सत्य नहीं, सत्य तो एक व्यक्ति है। बोले कौन है, बोले श्री बांके बिहारी। कौन है, श्री बांके बिहारी। अब देखना जिंदगी में जिसको पूजा करो करो, ध्यान देकर सुनो, जीवन में जिसको पूजा करना करो, जिसकी सेवा करो करो, लेकिन जब शरीर छूटेगा ना, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते हैं, बोलो राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने कन्या का नाम और जितने राम का नाम लिया ना, अभी तेरे साथ ही कोई जा रहा है। और जिंदगी भर तू जिसको पूजा की, जिसकी व्रत की, जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धारा भी साथ में नहीं जा रही है। इसे बिना देखे पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए परम सत्य कौन है, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम। लेकिन यहाँ पर बताइए जो परम सत्य है ये श्री बांके बिहारी, श्री कृष्ण चंद्र ही परम सत्य है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग जयकार बड़े कमजोर जरूर है, आजकल व्रत रखने बना क्या नहीं है ना, तो आवाज सुन नहीं आ रही।
ब्लेसिंग आज के लिए आई लाल की बोले वो कौन है बोले जन्मा दस्य जगत बोले जिनकी इच्छा से जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय जिनकी इच्छा मात्र से होता है जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम उन्होंने ये जो बच्चे लोग इधर उधर घूमते हैं ना यहाँ पर कोई नहीं ये बच्चों को अंदर में घुसने मत दिया करो भैया आप वहाँ पर गेट में कौन बैठे हो ये बच्चे लोग आकर के अंदर में खेलते हैं आप लोग क्या करते हो यहाँ पर नहीं ये बच्चों को निकाल दो कथा नहीं सुनेंगे बच्चे ये कि बच्चों को घुसने मत दिया करना यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े रहो ये पीछे खेलते रहते बच्चे लोग इनको बाहर निकाल दो बोले कथा को लाश में आया ठीक है दूसरा बार मेरे को बोलना नहीं इसलिए कहते जो परम सत्य कौन श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में इस सारे तत्व ज्ञान को उन्होंने स्मरण किया इसलिए भागवत का एक नाम है चतुश्लोकी सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत चार श्लोक रूप में प्रदान की और ये चार श्लोक का जो व्याख्या है ये पूरी के श्रीमद भागवत ग्रंथ है इसलिए कहते वो परम सत्य कौन है बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र लेकिन ये हमारे जो रस्सी की टीकाकारों ने कहा बोले भैया क्या केवल कृष्ण ही परम सत्य ना और कोई है बोले केवल कृष्ण नहीं बोले सत्य तो परम ही नहीं कहते उनको जो पराशक्ति श्री राधा जी को साथ में कृष्ण है अकेले कृष्ण नहीं यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए राधा रानी को साथ में कृष्ण को पूजा करनी चाहिए इसलिए आप वृंदावन जाओ वृंदावन का राजा तो कृष्ण है लेकिन वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण कोई भी नहीं बोलते वृंदावन में क्या बोलते हैं जोर से और जोर से वृंदावन में सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं बोले क्यों राधा जी का नाम क्यों लेते बोले कारण ही बोले राधा के बगैर कृष्ण आधा ही तत्व तो ये दो नहीं है एक ही है इसलिए शास्त्र में बताया चापि राधा सापि कृष्ण च राधा कृष्ण एव स एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूप कहते कृष्ण को छोड़ करके राधा नहीं और राधा को छोड़ करके कृष्ण नहीं केवल कुल लीला करने के लिए उन्होंने दो रूप से राधे और कृष्ण रूप धारण किया ये दो नहीं ये केवल ये एक ही लेकिन जब तक श्री राधा रानी का कृपा नहीं होना तब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे राधा जी कृपा हो तभी से ब्याजी मिलेंगे इसलिए कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे यारी इसलिए प्रथम श्लोक में श्री जुगल सरकार की उन्होंने ध्यान किया है और मंगलाचरण का जो दूसरी श्लोक है वो प्रतिज्ञा करता है देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा है जैसे ये स्वर्ण का धर्मशाला जैसे यहाँ भागवत कथा हो रही है अभी आप अपना घर में बैठे हो कथा में नहीं आए लेकिन आपको पता चला कि स्वर्णकार धर्मशाला में भागवत कथा होने जा रही है लेकिन घर में बैठे हो अगर इसकी मन में इतनी सी मात्र इच्छा हो जाए कथा सुनने में जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने में जाऊंगा इतना इच्छा मात्र से ही बल सत्य हृत्य अवरुद्ध अत्र कृति भी सुश्रुभि तत्क्षणा इच्छा मात्र से ही वाक्य बिहारी तुम्हारे हृदय में ऐसे आकर के बंध जाते हैं जैसे एक व्यक्ति किसी घर में घुस करके अपने आप को अंदर से कुंडी बंद कर देते हैं ऐसे ही श्री ठाकुर जी उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और अपने आप को बंद कर देते हैं उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलती है इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया कथा सुनने का इच्छा मात्र से इतना अगर सचमुच से कोई कथा में आकर बैठ जाए फिर भैया उसकी भाग्यता हम बता ही नहीं सकते हैं वो कितने सौभाग्यवान हैं बोले भैया कथा सुनने कौन कौन आते हैं बोले सुश्रुषु भी मतलब
जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ है वही व्यक्ति ही कथा सुनने आएंगे। करोड़ों करोड़ों जन्म की इसलिए बोले जन्मांतरे अवेद पुण्य, एक जन्म नहीं कभी जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय हो तभी कथा में कोई आकर के बैठ सकते हैं, साधारण व्यक्ति बैठ नहीं सकते। कर जो तीसरा जो मंगलाचरण है कर वो क्या करता है, हमें आशीर्वाद देता है, हमें आशीर्वाद देता है। बोले भागवत भैया क्या आशीर्वाद दे रहे, बोले भागवत कथा नहीं हम लोग क्या कहां पर बैठे हो, कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, बोले मतलब है आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। देखो ध्यान देकर सुनो, जो मांगोगे तो वही मिलेगा, लेकिन हमें पता तो चलनी चाहिए भैया भागवत सब क्या मांगनी चाहिए ये तो पता चलनी चाहिए। घर जाओगे उदाहरण दिया, कोई एक गरीब ब्राह्मण था उसको पास में भी भैया थी, उसने धन कुबेरे को उपासना की। धन कुबेरे जानते हो स्वर्ग में जितने धन दौलत का ट्रेजरी जिसको पास हो सारे का मालिक वही है, वो जिसको चाहेगा वही दे सकता है। अभी कुबेर जी की उन्होंने आराधना की, अभी उसने खुश हो गया, बोले भैया मांगो क्या चाहिए। लेकिन बेचारा गरीबी ब्राह्मण बुद्धि भी गरीबी है, बोले मेरे पास में भी गैया है, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना मुझे दे दो। बोले देखो कैसे पागल है, अरे किससे तू मांग रहे हो, धन कुबेर हूँ, इतने धन दौलत तो तेरे को मैं दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटा भी खा, तेरे बेटा 10 पुरुष भी खाएंगे ना तब भी खत्म नहीं होगा, इतने मैं दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में क्या मांग रहे हो, गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना हो सकता। मतलब क्या है ये चीज को समझो, ये भागवत से ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगोगे ना जीवन में तुम्हारे सारे अभाव पूरी हो जाएगी, सारे अभाव पूरी हो जाएगी। पैसा मांगोगे दूसरी बार फिर खत्म हो जाएगा, बच्चे जुआ करके खत्म करते हैं, बेटा मांगोगे बेटा नहीं बाद में कैसे बेटा हुआ, जो बात नहीं सुनता है, बात नहीं सुनता है। ये जगत में कोई भी चीज मांगोगे ना ये कुछ दिन बाद में खत्म होने वाला वस्तु है, लेकिन ऐसे की चीज मांगो जिसको तरह सब कुछ मिल जाएगा। आप बता सकते हो वो वस्तु क्या है, और बोले हाथ में। इसलिए देखो हनुमान जी से सीखियो, जब हनुमान जी जब माता सीता को उद्धार करके आ गई अयोध्या में, भगवान राम हनुमान के ऊपर बड़े खुश हो, बोले हनुमान जी अगर तू नहीं होता ना ये सीता की उद्धार होना बड़ा कठिन था, आज तू जो कुछ मेरे को मांगोगे तू मेरे से मांग लो, सब कुछ मैं तेरे को दे सकता हूँ। हनुमान जी क्या मांगते हैं, बोले बार बार बर मांगो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले हे प्रभु आपके चरण में एक ही चीज बारंबार मांगता हूँ। बोले क्या है, बोले हमें संतों की संग आपकी चरण की भक्ति आपकी सेवा हमें प्रदान करो, और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। देखो भगवान की भक्ति सेवा मिला तो सारा दुनिया जो मांगते है ना हनुमान जी सुख दे देते। कितना हनुमान जब नाम सुना दे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बोलते है ना, बोले क्यों, बोले भगवान की उसको भक्ति मिली। अगर भगवान को चरण में भक्ति अगर प्रेम मांगोगे ना भगवान स्वयं बंध जाते हैं, उसके प्रेम में बंध जाते हैं। अगर ठाकुर जी किसी के प्रेम में बंध गए विश्व ब्रह्मांड उसको अधीन हो जाते हैं। इसलिए कहते भागवत तो कल्प वृक्ष है, लेकिन कोई छोटी मोटी चीज जिसे मत मांगो, ऐसी चीज मांगो जो एक चीज मांगे वह सब कुछ मिल जाए। देखो मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनाता हूँ। तो एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, कोई एक व्यक्ति था वो था अंधा, उसको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था। उसने शंकर जी की उपासना की और पहले ही सोच लिया अगर शंकर जी खुश हो जाएंगे ना हम उनसे 3 वर मांगूंगा। बोले पहला वर क्या मांगूंगा, अंधा मेरे को आंख मिल जाए, दूसरा वर मांगूंगा मुझे पैसा मिल जाए, और तीसरा वर मांगूंगा किसी अच्छी लड़की से मेरी शादी हो जाए। वो पहले ही सोच करके आया था।
अभी शंकर जी संतुष्ट हो गए, बोले बेटा बरसात, बोले मेरे को तीन बार दो, बोले नहीं तीन बार नहीं दे सकता हूँ, जो मुझे मांगना है ना तो एक बार से मांगना पड़ेगा, एक बार दे सकता हूँ। लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान है, बोले कोई बात नहीं, बोले मैं अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर बैठते हुए सोने की कटोरी में दूध चावल खाते हुए देखो। हनुमान जी शंकर जी ने देखा बड़ा चतुर निकला, बोले अपना बेटे को राजमहल के ऊपर में हाथी के ऊपर में सोने की कटोरी में कौन खाएगा, राजा महाराज। फिर अपना बेटे को देखो, बेटा कब होगा जो शादी होगा, देखूंगा देखेगा कब जो आग होगी, तो बड़ा चतुर है। फिर उसी तरह जब हम भगवान के पास में उनकी भक्ति मांग लेना, अगर भक्ति मिल गई समझो हमें सब कुछ मिल जाएगी। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है, बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल है। लेकिन एक तब कैसे फल, बोले गलितम, गलितम मतलब क्या, बोले फल दो तरह का है, एक फल तो पकने से पहले पेड़ से ला करके कार्बाइड देकर पका लो, दूसरा तरह का फल होता है जो अपने आप पेड़ में पक जाए। बताओ तो दोनों फल में सबसे ज्यादा टेस्ट किसमें आएगा, जो पेड़ में पका हुआ, इसलिए बोले गलितम, वो पेड़ में जो फल पका हुआ। बोले इतना नहीं, बोले सुख मुखात अमृत, एक तो पेड़ में पका हुआ, दूसरा क्या है उसको फिर तोता ने चोंच मारा, इसलिए ये कहावत है जिस फल में ये तोता चोंच मार लेता है ना उसमें और भी मिठास आ जाता है, और भी मिठास। लेकिन यहाँ पर जो तोता, वो तोता कोई साधारण नहीं, यदि ये तोता कौन है, बोले प्रिया सुपश्री वृषभा तुजाया, बोले भागवत कथा को किसने सुनाया, बोले सुखदेव गोस्वामी। इसलिए वहां पर 88,000 श्लोक थे, किसका उम्र 100 साल के, कोई 200 साल के, कोई 500 साल के, कोई 1,000 साल के, जटा जुगधारी बड़े बड़े साधु सब थे। लेकिन जब कथा सुने ना, सबसे छोटे बच्चे श्री सुखदेव गोस्वामी, कहीं 12 साल की, कहीं 16 साल की उम्र उनकी बताई, सबसे छोटे बच्चे से कथा सुने। बोले क्यों, बोले कारण क्या, बोले कारण है कि जो सुखदेव गोस्वामी ये कोई साधारण सुख नहीं, ये राधा रानी की प्रिया तोता है। राधा रानी जिसको हाथ में बैठा करके आनंद की दाना खिलाया करती थी, बड़ी लाड़ लड़ाया करती थी, कभी कभी राधा रानी ये तोते को कभी कभी चुंबन करती थी, जब चुंबन करती थी राधा रानी की जो अधरा मृत ये तोता के मुंह में लगा हुआ है। इसलिए अब राधा शब्द को उल्टा तो बताओ तो क्या होगा, क्या जोर से बोलो, इसलिए कभी ये राधा नहीं बल्कि ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा सी राधा रानी। इसलिए इनकी मुंह से जब कथा निकली ये कौन है, राधा जी की अधरा मृत लगी हुई और राधा रानी की एक सखी है, राधा रानी की एक सखी है, इसलिए इनकी मुंह से कथा सुनी। लेकिन कथा तो सुने सुख मुखात अमृत द्रव संजुतम, बोले भैया पी बता, बोले क्या करो, बोले ये इसको खूब पियो, इसको क्या करो खूब पियो उसको, बोले आप तो पहले बताया फल, आप बताओ फल को पीते है ना, बोले खाते हो, खाते है ना, लेकिन यहाँ पर कह रहे पियो, बोले पिए भी कैसे, आप तो बताया फल, ये फल को तो खाते हैं पीते तो है नहीं, लेकिन बोले ये ऐसे फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं और जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें केवल रसी रस है। और देखो जब कोई चीज को पीते हैं आप लोग बताओ तो किधर से पीते हो, बोलो कोई चीज जब पीते हो किधर से पीते हो, अर्जुन आप लोग किधर से पीते हो, पता नहीं किधर से पीते हो,
अभी जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कान में पी जाती। देखो कान में पीना और मुंह से पीने में कुछ फर्क है। बोले क्या फर्क है? अगर कोई चीज अगर मुंह से पियोगे ना, आप अंदर में रख नहीं सकते, वो नीचे निकलेगा। कोई भी जूस, कोई भी जो कुछ पियो, आप अंदर में नहीं रख सकते जो मुंह से पियोगे। लेकिन कोई चीज अगर कान से पियोगे ना, वो निकलेगा नहीं, वो अंदर में टिकेगा। इसलिए कहते हैं भैया ये रस को मुंह से मत पिया करो। कैसे पियो? कान से पियो। बोले भैया पीते तो ये सब निकल जाती है। हमारे बहुत सारे छेद है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो छेद ही छेद है अंदर में, वो टिकती नहीं, वो तो निकल ही जाती है। बोले भैया उपाय क्या है? बोले मुंह रहो रसिका। ध्यान देकर सुना। कहते हैं कि रस ऐसे क्या उपाय है, भले ही तुम्हारे अंदर में जितने छिद्र क्यों नहीं हो, छेद छेद क्यों नहीं हो, ऐसे कौन सा उपाय है? पियोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा। अगर पियोगे तो एक बूंद नहीं निकलेगा। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जैसे कोई एक कलसी हो जिसमें छेदी छेदी हो, जिसमें छेदी छेद हो, अगर उसमें कोई पानी डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? निकल जाएगा। बताओ ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितना छिद्र क्यों नहीं हो, अगर उसमें पानी डालोगे ना, एक बूंद भी नहीं निकलेगा। ऐसे क्या उपाय है? अब बागपत का लोग बोलो, पड़ोसों का लोग जानते हैं। इसलिए बागपत का लोग बोलो, एक कलसी है, ये देखूंगा कौन उत्तर देता है। एक कलसी है, उसमें छिद्र ही छिद्र है, छेद ही छेद है, पानी डालोगे क्या होगा? निकल जाएगा। लेकिन ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितने छिद्र क्यों नहीं हो, लेकिन एक बूंद पानी भी निकलेगा? क्या क्या करो? हाँ, इसलिए उसका सबसे सरल उपाय बताए, अगर उसमें जितना छिद्र क्यों नहीं हो, अगर उसको पानी में अगर डुबो करके रख लोगे ना, फिर उससे पानी नहीं निकलेगा। क्यों? ऑलरेडी वो डुबा हुआ पानी। देखो यहाँ पर एक बढ़िया बात बताए, हम सभी का घर में काम क्रोध लोभ है, लेकिन जैसे यहाँ कथा में बैठे हो, भगवान की कथा में आपको कोई काम सता रहे ना, क्रोध सता रहे ना, लोभ सता रहे, कोई सता रहे क्या? नहीं सता रहे। क्यों? भगवान की कथा में डूबे हुए हो। लेकिन केवल कथा से बाहर निकलो तो सारे काम क्रोध लोभ आकर के सर्वोपर में पहाड़ जैसे सर पर बढ़ जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया अगर हर समय तुम भगवान की भजन करते रहोगे, कीर्तन करते रहोगे, भगवान की अगर कथा सुनोगे ना, ये माया तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, माया तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर भगवान की कथा से निकल जाओगे ना, सारे काम क्रोध तुम्हें आकर के घेर जाएगी। बोले भैया ये कथा रस को कौन पी सकते हैं? बोले केवल दो व्यक्ति इसको पी सकते हैं। बोले वो दो व्यक्ति कौन? बोले रसिका और भावुका। जो रसिक और जो भावुक है, केवल यही दो व्यक्ति ही ये भागवत कथा रूपी रस को यही पी सकते हैं। इसलिए संकट जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले अति हरि कृपा जा पर होइ, अति हरि कृपा जा पर कथा रूपी गंगा में कौन डूब सकते हैं?
बोले अति हरि कृपा जानो बोली, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो जाए। भगवान का कृपा दो तरह का है, एक तो मातिरा करके और एक सीधा कृपा है। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी का सीधा कृपा हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट कृपा हो जाएगी, बोले पाव दही संकट सोई, वही व्यक्ति भी ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर सकते हैं। अगर उनको ये भागवत कथा रूपी गंगा में नहा दिया तो इसका फल क्या है? इसलिए जब श्री हनुमान जी को साथ में विभीषण के साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले भगवान के सबसे प्यारे राम के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए विभीषण क्या कहता है, बोले आज मोय भाव भरसा हनुमंता, बिनो हरि कृपा बिना मिलई नहीं सकता, जो रघुवीर मोय अनुग्रह किनी तो मैं दरस दीदी। लगता है आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हुई, लगता है मेरा भवबंधन खत्म हो गया। हमें और इस संसार में दुख कष्ट जन्म मृत्यु में फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्यों? आज भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री हनुमान जी से भेंट हुई। इसका तात्पर्य यह है जो व्यक्ति ये भागवत कथा में आ गए ना, क्या समझो जीवन का जितनी दुख कष्ट हमारी समाप्त होने वाले हैं। इसको कौन कह रहे हैं? बोले श्री शंकर जी और श्री विभीषण जी कह रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री सुंदरम कितना सुंदर, जैसे कोई काले व्यक्ति
कितना भी पाउडर रख ले लेकिन अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे बिहारी जी तो काले हैं लेकिन काले में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, सुंदर कितना सुंदर। तो बाकी बिहारी इतने सुंदर है उनको नजर ना लग जाए इसलिए दो मिनट अंतर अंतर पर्दा लगता है। और एक बात यह है कि हमारे बाकी बिहारी जी से प्रेम हो जाता है तो उनके साथ वो चले जाते हैं पीछे पीछे, इसलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल भगवान, भक्त के प्रेम में बिक जाते हैं। इसलिए आइए एक बाकी बिहारी जी का भजन हम देखते हैं कि किस किस का मन लटा पटा हुआ। अरे बाके बिहारी के देखे छटा देखे छटा अजी भैरव पर अरे गयो लटा पटा अरे भैरव पर अरे गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी के देखे छटा अजी भैरव पर अरे गयो लटा पटा अरे भैरव पर अरे गयो लटा पटा। Let's go.
राधे राधे रटा है, जो राधे राधे कोट कोट रटेंगे सभी लोग रटेंगे, सभी रटेंगे। एक बार प्रेम से हाथ उठाए सभी लोग, हाथ उठा कर क्या बोलना है? राधे राधे। अरे नहीं जोर से आधे आधे नहीं, पूरे पूरे बोलो राधे राधे। नहीं जोर से बोलो क्या बोलना है? राधे राधे। हाँ यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सभी हाथ उठाने के एक बार प्रेम से हाथ उठाकर बोलना है। एक प्रेम से बोल दो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई बैठ करके पुराण सुना रहे थे।
लेकिन जब श्री बलदेव प्रभु वहां पर आए लेकिन देख करके उन्होंने उठा ली, उनको सम्मान नहीं किया। इतना बलदेव प्रभु का भाव क्रोध आया। बलदेव प्रभु कौन है? बोले आदि गुरु बलदेव प्रभु श्री ताऊ भैया के आदि गुरु, इनसे ही सब कुछ सृष्टि होता है। भले कोई संत आए तो ध्यान देकर सुना, अगर हम भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान की भजन कर रहे हैं, अगर कोई बड़ी पहुंचे हुए संत आए ना, उसी समय ठाकुर का पूजा छोड़ दो। उस समय पूजा छोड़ दो, अगर कथा नहीं कर रहे हो ना कथा को छोड़ दो, जाकर के क्या करो, उन संतों को वैष्णव को गुरु जी को प्रणाम करो, उनको आदर करो। क्यों? भगवान कहाँ पर बैठे हैं? संतों के हृदय नहीं भगवान के निवास है। अगर संतों को आदर कर दिया तो ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम संतों को कुछ नहीं कर पाए तो फिर तो भगवान नाराज हो जाए। इतने में श्री बलदेव प्रभु उठाया एक हाथ और गला उन्होंने काट दी, वह हाहाकार मच गया। इतने में जितने वहां पर ऋषि मुनि थे बोले आपने इनको बंद कर दिया, फिर हम ये पुराण कहाँ से सुनेंगे? बोले कोई चिंता मत करो, उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था उग्र सभासद, बुद्धि बड़ा तेज बुद्धि, श्री बलदेव प्रभु उसका सर पर हाथ रख दिए और हाथ रखते ही उनके हृदय में जितने वेद पुराण उपनिषद अपने आप उनके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त हो गया और उन्होंने बैठा दिए और उन्होंने झटाझट उन्होंने सारे पुराण को झटाझट बोलने लग गए। इसलिए कहते एक समय श्री उग्र सभासद आए, आने पर तब श्री सौनक आदि ऋषि ने उनके चरण की पूजा की, पर आप गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण उपनिषद अपने सबके सब इसकी सार समझे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अगर कोई सोचे हमें कोई साधु संत की जरूरत नहीं, हम तो खुद खुद पढ़ के समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते। जैसे समुद्र मंथन से बीज निकला, समुद्र मंथन से अमृत निकली, अगर साधु संतों की आत्मगत्य में अगर भागवत कथा पढ़ेंगे सुनेंगे शास्त्र को, फिर तो वहाँ अमृत निकलेगा। अगर अपने आप पढ़ोगे ना अमृत नहीं, फिर वहाँ जहर निकलेगा, वहाँ विष निकलेगा। इसलिए नियम है जो भक्ति विद्या, ये जो भागवत विद्या ये गुरु परंपरा से आती है, ये ब्रह्म विद्या है, अपने आप पढ़ करके समझने का ठीक नहीं। जैसे इसी जगत में देखना, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चा पढ़ता है, कोई टीचर की जरूरत होता कि नहीं? भले ही उसको पास में कोई पुस्तक है, अपने आप पढ़ लेता, ना कोई एक्सपर्ट किसी टीचर को पास में जाता है। जब साधारण विद्या के लिए तुम्हें कोई टीचर की जरूरत है और तू ब्रह्म विद्या के लिए भगवत विद्या के लिए अपने आप पढ़ लो, नहीं उसी के लिए भी कोई सदगुरु की जरूरत है, नहीं तो वहां केवल जहर जहर निकलेगा। देखो क्यों आप बोलोगे हम क्यों नहीं समझ पाएंगे, देखो इसका कारण बताओ, कारण सुनो। जैसे मैंने इनको बताया, तुमने कहां गया था, एक ही शब्द है इसका मतलब, तुम कहां गया था मेरे को पता नहीं, बताओ। अगर मैंने बताया तुम कहां गया था, इसका मतलब क्या, टोन बदल गया ना, उसको झट मीनिंग बदल गया, पर तू जहां गया था सही जगह पर नहीं गया। अगर मैं बोलूं तू कहां गया था, मतलब तू जहां गया था ना मेरे को पता है, देखो एक ही शब्द है लेकिन इसका थोड़ी सी टोन बदल गई ना, उसको भाव ही बदल गया। इसलिए वेद पुराण उपनिषद में कोई टोन है ही नहीं, केवल शब्द है। इसलिए क्यों किसी लिए किसी कारणों को लेकर के बोले, जब तक कोई शुद्ध वैष्णव परंपरा में नहीं आए ये विद्या को कोई समझ नहीं सकते। इसलिए श्री सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषि कहते हैं, हे सुत गोस्वामी कहते इनके गुरु जी कौन है, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये सुत गोस्वामी कहाँ बैठे थे, सबको पीछे बैठे थे, सबसे पीछे हाथ जोड़ करके। हाँ देखो बोले भैया सूत मतलब क्या है, बोले सूत मतलब होता है जो रथ को चलाते हैं उनको सूत कहते हैं। मतलब ये छोटे जाति से छोटे जाति में जन्म हुए यह शिक्षा देते हैं, जो भक्ति है ना जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो
हरि का बजा सो हरि का होई। भगवान की भक्ति में चार पात्र कोई जाति है बताओ, हनुमान की कौन सा जाति का है? बंदर। किसी घर में बंदर घुस जाए ना बोले घर अपवित्र हो गया टोटा। लेकिन उसी हनुमान जी को घर घर में पूजा हो रही है, बोले क्यों? बोले राम के भक्त है। विभीषण राक्षस कुल में आया है, लेकिन देखो भगवान राम दरबार जब लगता है ना, भगवान राम विभीषण को बराबर आसन देते। प्रहलाद कौन सा कुल में आया? राक्षस कुल में, लेकिन भगवान को खंभे से प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे भगवान कहाँ है? बोले ये तो बताओ मेरे प्रभु है ही नहीं, कहाँ बताओ। बोले खंभे में क्या है? बोले मेरे को तो दिखना है प्रभु बैठे हुए, और मारे मुष्टि का घात खंभा उठट करके भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। इसलिए सबरी है, सबरी कितना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान राम ने क्या किया? बोले सबरी का झूठा बेर खाए और बहुविध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान केवल प्रेम को द्वारा वशीभूत होते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सौनका दृष्टि लोग कहते सभे सुत गोस्वामी, आप गुरु जी की कृपा से ही ये जितने वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन किया है। इसलिए आप बताओ कि और कलयुग है, कलयुग में विशेष करके सबका परमाय बहुत कम है। सत्ययुग में 1,00,000 साल जीता रहते थे, तृतीया युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000 और कलयुग में 100। और जब और कलयुग आएगा ना, 100 से 1 जीरो हटा दो कितना रहेगा? 10। धीरे 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 लोग का परमायु धीरे 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 कम होते जाते रहा है। पहले पहले नियम ये होता था जब तक पूरी परमायु नहीं हो जाए मरेगा नहीं कोई। लेकिन कलयुग में बैठे बैठे मेरा हार्ट अटैक हो गया, रास्ता में चलते चलते कहीं एक्सीडेंट हो गई है, तरह तरह से लोग इसमें मर रहे हैं। इसलिए और विशेष करके कलयुग में अल्प आयु और मंदा सुमंद बते हो। कलयुग में जीव का जो मन है ना बड़ा गंदा मन है। पहले लोग का समय जब होता था क्या करते थे? गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। लेकिन अभी घर घर में टीवी आ गई, इंटरनेट पर स्मार्टफोन आ गया, इतने बच्चों को गड़बड़ी, बच्चे भी सबको गड़बड़ी कर दिया है। सांस बहू की लड़ाई और उल्टा पुल्टा, पहले एक चैनल होता था, अभी सारे चैनल जो कुछ इच्छा बैठे बैठ कर देख लो है। ये हमारे बड़े गुरु जी कहते जब टीवी ना, टीवी नहीं ये कली। ये कौन है? ये कली। जीव को भगवान से विमुख करने के लिए, जीवों को भगवान की भक्ति से विमुख करने के लिए टीवी आया और फोन जो आ गया है, फिर स्मार्टफोन। हम स्मार्टफोन, इतने छोटे छोटे बच्चे है, इतने छोटे छोटे बच्चे अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, हम आज देख रहे थे 1 साल भी नहीं हुआ, वो फोन के बगैर नहीं रह रहा है। मैया से जोर जबरदस्ती फोन को लेकर के मैया फोन नहीं दी, रो रहा था, मेरे को फोन चाहिए। और उसकी माँ कह रही थी बोले महाराज जी जब 1 साल का बच्चा है, अभी मेरे को जो बताया उसको उसको पता हो गया फोन में। इसलिए और उसमें जितने गंदे गड्ढा कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, जब एक सीट घर में और बाहर जाए तब दूसरा सीट लगाते, इसलिए कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है ये सब चीज। इसलिए बोले कलयुग में मंदा सुमंद मत हो। बोले मन मन बड़ा गंदी चीज में तो आप ही आप जाएगा। लेकिन अगर बोलो भजन करने के लिए ना, बोले भैया थोड़ा गीता रामायण पढ़ो, मन नहीं लगेगा। गीता रामायण में मन नहीं लगेगा, जितने गंदी चीज में उसमें मन लग जाते हैं, आपने आप लग जाते हैं। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अच्छी बात सुनो, एक समय ध्यान देकर सुनो, एक समय किसी व्यक्ति ने हमारे बड़े गुरु जी को पास में आया, बोले गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है, गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। देखो हमारे बड़े गुरु जी बोले, बोले बेटा तू रामायण पढ़ते हो और बच्चों को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। तब हमारे बड़े गुरु जी बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएगा उसको यही दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि अगर रामायण पढ़ते तू खुद पढ़ता रामायण, रामायण में लिखा हुआ है
प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमः माता। भगवान सवेरे उठकर के पहले पिता माता की चरण पूजा करते थे। अब रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान स्वयं पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। भगवान स्वयं फिर पितृ आदेश को पालना करने के लिए भगवान 14 साल के वनवास गए। बोले क्यों, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण चाहे मरु। अभी अपना बेटे को बोले तो भगवान राम तो 14 साल के लिए गया, अपना बेटे को बोले तो 14 दिन के लिए कहीं जा जाएगा तुम्हारी बेटा, अपना मन मर्जी तो 14 दिन के लिए घूमने चल जाएगा, लेकिन पिता माता की आदेश को पालना करने के लिए 1 दिन भी नहीं जाएगा। इसलिए ध्यान देकर सुना, मेरे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले बेटा खुद तो रामायण पढ़ाई नहीं, बच्चों को तो रामायण पढ़ाया नहीं, स्मार्टफोन पकड़ा दिया, 10-20 हजार का स्मार्टफोन पकड़ा दिया। देखो अभी हम कुछ दिन पहले फरीदाबाद में, ध्यान देकर सुना, फरीदाबाद में हम गए थे प्रचार करने के लिए, एक ओल्ड हाउस में गए, ध्यान देकर सुना, वहां पर देखा बड़े बड़े करोड़पति लोग जिनकी 500-500 गज की कोठी, हजार गज की कोठी, वो ओल्ड हाउस में बैठे। हमने गए कथा सुनाए, जब कथा सुनाई ना वो रोने लग गए, बोले महाराज जी हमसे गलती हो गई। हमने बच्चों को बोले पढ़ो और कुछ नहीं सिखाया, लाख रुपया बच्चों को पीछे लगा दिया पढ़ाने के लिए, क्या बोला पढ़ो, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में कहीं क्या बच्चों को सिखाते हैं, भैया सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छो, कहीं सिखाते हैं क्या, नहीं सिखाते। वो कह रहे थे अगर हमने बच्चों को रामायण पढ़ाते, बच्चों को भागवत गीता पढ़ाते ना, हमारे बच्चे संस्कार बनते, लेकिन हमने ये सब चीज नहीं, बोलो पढ़ो पढ़ते एटीएम में कार बना दिया, कैसे पैसा कमाएगा, इसलिए आज हमें ये ओल्ड हाउस में बैठना पड़ रहा है। क्यों, बच्चों को उन्होंने भक्ति का शिक्षा नहीं दिया, हम भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन और एक आश्चर्य चीज देखा, वहां पर किसी मुसलमान को नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा, जितने हिंदुओं को देखा। बोले क्यों, ये चीज को समझो, आप लोग देखते होंगे जब शुक्रवार होता है ये हमारे मुसलमान भाई लोग इतना छोटे छोटे बच्चों को भी ले जाते हैं, मेन रोड के ऊपर बैठा करके टोपी पहना कर ले जाते हैं, मेन रोड के ऊपर नमाज पढ़ाते हैं। और क्रिश्चियन भाई भी जाते हैं अपना चर्च में बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन कोई हिंदू बताओ अपना बच्चे को बोलते हो गीता रामायण में पढ़, आप बोलो कौन हिंदू बोलता है अपना बच्चे को तू थोड़ी गीता रामायण तू पढ़, कोई बोलता ही बच्चों, आप बोलो कौन बोलता है, कुछ भी नहीं बोलते हो, जितने गंदी गंदी पुस्तक उल्टा पुल्टा चीज दी होंगे। इसलिए कि बड़े गुरु जी कहते थे हमारे, बोले भैया दादा तेरे को ही बोलना और कौन बोलेगा, बच्चों में कोई संस्कार तुमने नहीं दिया, तो बोलो पढ़ो पैसा कमाओ। देखो इसलिए कल बोल रहा था ना, हमने कितने पैसा कमा करके बच्चों को दिया, ये बड़ी बड़ी चीज नहीं, बच्चों को हमने कितने संस्कार दिया, ये बड़ी। क्यों, अभी क्रिकेट चल रहा है ना, करोड़ों अरब खरब रुपया भी तो कमा कर गया ना, बस एक ओवर है 6 बॉल है उसमें पैसा लगा दिया, कौन जीतेगा, करोड़ रुपया को फूंक देगा, 1 मिनट में करोड़ रुपया को फूंक करके चला जाएगा जितने तुमने पैसा कमाया। लेकिन अगर बच्चों पर संस्कार डालोगे, भजन के संस्कार डालोगे ना, वो बच्चे धीरे धीरे टुकड़ा बन करके निकलेगा, जब तक जिंदा रहेगा पिता माता की सेवा करेगा। आप लोग बताओ तो कौन कौन सवेरे उठ करके पिता माता के चरण चित हो, झूठ मत कहना सही बने, हाथ उठाओ कौन कौन सास ससुर की चरण चित हो और कौन कौन अपना पिता माता के चरण चित हो, कोई छोटे देखना, देखिए एक माता जी हाथ उठाए, बहुत अच्छी बात है। इसलिए क्या करना, सवेरे उठ करके क्या करो, पिता माता की चरण छुआ करो। हाँ इधर देखो, जो पिता माता की चरण छूते हैं सांस तो कहता है उसको 4 चीज मिलेगा, कितना चीज मिलेगी, उसको बल ऐश्वर्य जस बुद्धि, ये 4 चीज जो पिता माता की चरण छूते हैं उनको ये 4 चीज की प्राप्ति होगी, 4 चीज। इसलिए देखो जितने बोगे बैठे हो आप भी सवेरे उठ करके सास ससुर की चरण छूना। देखो
चरण शब्द का कितना लाभ है। जैसे तीन भाई है, नहीं तो दो भाई है, मैंने कि दो गौ हैं, लेकिन घर की जितने सोने चांदी किसको पास में है? सास को पास में, ससुर को पास में। आप देखना जो बहू ज्यादा अपनी सास ससुर की सेवा करेगी, कुछ दिन बाद में बंटवारा होगी। जब बंटवारा होगी ना, जो ज्यादा सेवा करेगी बहू, बंटवारे से पहले वो क्या करेगी, वहां से सोना चांदी अलग पकड़ा देगी, बोले वो इसको छुपा के रख लिया, उसको दिखाना नहीं। क्यों? उसने सेवा की ना सास ससुर की, इसलिए पिता माता सास ससुर की सेवा की बड़ी महत्व है। इसलिए क्या करना? सेवा करना, जो सेवा करेगा उसको सेवा मिलेगी। और देखो अगर हम पिता माता की सेवा करेंगे, सास ससुर की, तभी तो हमें अपना बच्चे भी सेवा करेंगे, ये चीज को समझो। अगर हमने स्वयं पिता माता की सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, अरे हमारी सेवा कौन करेगा? हम कैसे आशा रख सकते हैं हमारे बच्चे भी इतनी हमारी सेवा करेंगे? अगर हम भी सेवा करेंगे, हमारी फैमिली सेवा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। कल मैं सबको पूछूंगा सवेरे उठकर कौन सास ससुर और कौन पिता माता के चरण छुए, कल मैं सबको पूछूंगा, ठीक है। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान इधर आ जाना, हरे कृष्णा। इसलिए श्री सौनक आदि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को छह प्रश्न किया, और जो छह प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये श्रीमद् भागवत, ध्यान देकर सुना, ये जो छह प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत है। अभी मैं बताऊंगा सुतो गोस्वामी को सौनक आदि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया, छह प्रश्न की आज मैं बताऊंगा और कल आपसे सुनूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। इनका पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। क्या प्रश्न है? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? आत्मा को शांति, देखो ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया के अरब रुपया के प्रश्न है। क्योंकि देखना सवेरे से लेकर के शाम तक तो जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो? शांति के लिए, पढ़ाई लिखाई भी शांति के लिए, नौकरी चाकरी भी शांति के लिए, शादी शुदा भी शांति के लिए, बच्चे भी शांति, जो कुछ करते हो शांति के लिए। लास्ट में देखना ना, जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है वो भी शांति के लिए। जब जीवन में जब दुखी दुखी हो जाए, सोचता है शायद सुसाइड से शांति मिल जाएगी, अंतिम रेडियोस सुसाइड में शांति के लिए करता है। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल चीज देखना, सब कुछ तो सुख शांति के लिए करते हैं, लेकिन अभी कोई बता सकता है जीवन में शांति सुख मिली? हम किसको सुख कहते हैं? सामने एक समस्या, सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाएगी ना, भैया चैन मिलेगा। देखना वो एक समस्या तो गई नहीं, सामने दो समस्या, फिर सोचते हैं किसी तरह से दो समस्या हल हो जाएगी, चाहे शांति मिलेगी ना, तीन समस्या। जैसे हाथी दल दल में फंस जाती है, हम भी मरने का पहले तक भी शायद ये करने पर सुख मिलेगा, शायद ये करने पर सुख मिलेगा, जिंदगी खत्म, जीवन में शांति कभी आती नहीं। इसलिए अगर हमारे पास में बहुत पैसा धन दौलत हो, लेकिन मानस की शांति नहीं, बता वो पैसा की कोई महत्व है क्या? घर मकान दुकान हम सब कुछ हमारे पास है, लेकिन शांति नहीं घर में, वो पैसा की कोई कीमत है नहीं। अगर दो रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये अनमोल वस्तु है। अगर सुख है दो रोटी में, अगर हमें शांति मिलती है जगत में, ये अनमोल वस्तु। इसलिए जगत में सबसे कीमती वस्तु क्या है? शांति। इसलिए इनका पहला नंबर प्रथम प्रश्न किया, जीवन में शांति कैसे मिलेगी। बोले दूसरी जो प्रश्न है, यदि भगवत प्राप्ति का कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या। देखो ये एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न जुड़ी हुई है। कहते शांति कैसे मिलेगी, बोले जब तक जीवन में भगवत प्राप्ति तुम्हें नहीं हो जाए, भले इस जीवन में सारे ऐश्वर्य तुम प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक तुम्हें प्रभु नहीं मिलते हैं, ये दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें शांति नहीं दे सकता। लेकिन हमारे मन में क्या बैठा जाते हो, ज्यादा अगर पैसा आ जाएगा तो सुखी हो जाएगी, अगर ज्यादा पैसा से अगर शांति मिले, रावण को सबसे ज्यादा शांति रावण को मिलता। क्यों? उसकी सोने की लंका है, सोने की लंका,
लेकिन ये दुनिया में देखना जिसको पास में जितने पैसा उसको उतना ही टेंशन है, उतना ही डिप्रेशन है उसकी, उतना ही टेंशन है। इसलिए जगत में हम सोचते हैं अच्छी किसी छोरी से शादी हो जाए, कोई अच्छी लड़की से शादी हो जाए, हमें शांति मिलेगी। भैया रावण के पास में ना मंदोदरी जैसे पत्नी, मंदोदरी मतलब जानते हो, मंद मतलब होता है पत्नी, उधर मतलब कबर, जिसकी कबर बहुत ही पतली थी उसी समय वो मिस यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा की बेटी और रावण को जहां से जहां सुंदरी गंधर्व अप्सरा मिली ना, जहां सुंदरी मिली पकड़ पकड़ कर उसने ला करके शादी किया था। और बेटा कैसे मेघनाथ जैसे इंद्रदीप जैसे, लेकिन चैन नहीं बचे, तभी सीता को प्रेम कर लेंगे। वो चैन नहीं, वो बेचैन से रह रहा था, इतने बड़े प्रताप के रावण होते हुए भी, लेकिन वहां पर लंका में एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था और सारे बेचैन से, बता सकते हो चैन से कौन रह रहा था, बोलो जोर से कौन बोलेगा। लगता है सब पंडित यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीबी सर ही वो चैन से रह रहा था। बोले इसलिए, बोले प्रभु राम की शरण में था, प्रभु राम की शरण में था, भजन करता था। यहाँ शिक्षा देते हैं, भले ही दुनिया की सब वस्तु तुम्हारे पास हो, लेकिन प्रभु की शरण में नहीं जाओगे तो दुनिया में इसे कोई वस्तु नहीं तुम्हें जो शांति दे सकता। क्यों? जगत में हर वस्तु नश्वर है, हर वस्तु जगत में नाशवान वस्तु, पर नाशवान वस्तु कभी शांति दे नहीं सकता है। शांति कौन दे सकता है? बोल अथात ब्रह्म जिज्ञासा, केवल भगवान ही जगत में वो रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जब उनकी शरण में जाएंगे उन्हीं की कृपा से हमें शांति स्वरूप मिलेगी। इसलिए दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या। तीसरा प्रश्न है हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं उनके जितने अवतार हैं, कैसे भगवान राम रूप में आए, कैसे नरसिंह रूप में आए, कैसे बत्सा अवतार में आए, कैसे कुर्मा रूप में आए, इसलिए आप हमें भगवान की और अवतारों की कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की जो अद्भुत जस है जो पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवा प्रश्न है भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके गए कलयुग में धर्म कहाँ आश्रय लिया, उन्होंने उनको ये छह प्रश्न की। ये छह प्रश्न सुन करके श्री सुत गोस्वामी बड़े खुश हुए। बोले क्यों? बोले जितने प्रश्न सबके सब उनकी भगवत संबंधी प्रश्न, उत्तर दो तो केवल ठाकुर ठाकुर की चर्चा होगी। इसलिए शिक्षा देते ही संत तभी प्रसन्न होते हैं जब उनको भगवत चर्चा के लिए सुजग दिया जाए, दुनियादारी काम के लिए नहीं। बड़े प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने बोले पहले गुरु जी को प्रणाम करके तुम्हारे प्रश्न को उत्तर देता हूँ। पहले गुरु जी को उन्होंने प्रणाम करते हैं, बोले बंदा गोरो पाद पादो मा पराया, पहले किसकी चरण में प्रणाम करो, श्री गुरु जी की चरण में प्रणाम करो। क्यों? भगवान हमें दिखाने वाले कौन है? श्री गुरु जी ही हमें गुरु जी ठाकुर जी को दिखाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं
तीनो गुरु भवनी थी तरह न कोई जो बिरिची शंकर समोर कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ अगर गुरु जी की कृपा नहीं होना भैया संसार से तर नहीं सकते हो। एक छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय पानी में एक चिड़िया रखा देना काले काले रंग का देखना वो जो चिड़िया वो डूब करके मछली पकड़ता है। अब मछली पकड़ कर सीधा नहीं खाएगा वो मछली को ऊपर देगा फिर झट पकड़ेगा कहीं खाएगा उसका ये भी कला है। एक व्यक्ति ने उसको देख करके सीख लिया। सीख करके उसने क्या किया लकड़ी की चाकू बनाया और वो ऐसे ऊपर फेंकता है फेंक करके फिर मुंह में झट पकड़ता है। उसको जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया अभी उसने एक लोहे की चाकू बनाया और उसको ऊपर फेंकता ऊपर झट पकड़ता है। जब अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लिया उसको ही अपना जीविका बना दिया। जब देखे बहुत सारे लोग खड़े हुए वो लेकर के एक ड्रम बजाता है जब लोग इकट्ठे हो जाए वो चाकू को फेंकेगा और मुंह से पकड़ेगा। एक व्यक्ति देख कर बोले बाप जिस गुरु ने ये विद्या तेरे को सिखाया है जिसने तेरे को जिस गुरु ने ये विद्या जिसने सिखाया भैया वो गुरु का हम धन्यवाद देते हैं क्या कला तेरे को सिखाया। इतने में उसने क्या बोल दिया बोले गुरु जी ने थोड़ी सिखाया मैंने अपने आप सीख दिया मैंने अपने आप सीखा। लेकिन उसका गुरु कौन था बोले लेकिन कौन था वो चिड़िया। इसी जगत में कोई भी चीज चोरी भी उसका भी कोई गुरी होगा शराब पीने वाले उसका भी कोई गुरी होगा सिगरेट घूमने वाले गंगा उसका भी गुरी होगा। बिना गुरु के दुनिया में कुछ भी सीख नहीं सकते हो। साधारण विद्या में गुरु की जरूरत है लेकिन उसका गुरु कौन था चिड़िया। अभी तक तो उसको काम में सक्सेसफुल होता था बोले क्यों बोले गुरु जी को उसने नेग्लेक्ट नहीं किया इसलिए वो चाकू फेंकता था पकड़ता था। किसने कहा भैया और एक बार दिखाओगे उसने क्या किया चाकू को फेंका ऊपर से जोर से जब उसने पकड़ने के लिए गया ना उसको चुभ गई तो सीधा नाक को ऊपर गिरा था नाक ही कट गई उसकी। यहाँ पर सीखा देते हैं भैया तब तक तुम्हारी विद्या सार्थकता होगी जिसने तुमने सब कुछ सीखे हो जब तक उसे तुम आदर दोगे। अगर तुमने अनादर किया ना वही विद्या वही खत्म वही विद्या वही खत्म हो जाती है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी सबसे पहले अपना गुरु जी की चरण की पूजा की पूजा करके फिर उन्होंने प्रश्न की उत्तर दिया। पहला प्रश्न क्या था कौन बोले हाथ था देखो ये सब अभी अभी मैंने बोला अभी अभी भूल गए फिर को कल क्या बोला कौन बोले का हाथ होगा कि तुम लोग तो बड़ों से आए यहाँ के लोगों को प्रश्न करना हो जो बात बद के लोग हैं बोला आप क्या प्रश्न था। हाँ इसलिए देखो कथा सुनकर के ना यही नहीं रखने का कथा सुनकर के अपना घर में ले जाओ अपना पति को सुनाओ बच्चे को सुनाओ पिताजी को सुनाओ माता जी को सुनाओ दूसरा कभी कल्याण होना ऐसे नहीं कथा यही सुने और पल्लू झाड़ के चले गए नहीं कथा सब याद रखना। पहला प्रश्न किया था आत्मा को शांति कैसे मिलेगी देखो उसका उत्तर क्या देते हैं बोले सबई भूल सांग परो धर्म जत भक्ति रघुक्ष जी आहि रुकी अप्रतिहता जय आत्मा सम प्रसीदति। बोले सबई भूल सांग परो धर्म बोले हर व्यक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म धर्म दो तरह का है ये चीज को समझो एक तो लौकिक धर्म और एक परमार्थ धर्म है। लौकिक धर्म किया पिता माता की सेवा करना सास ससुर की सेवा करना पति की सेवा करना ये लौकिक धर्म ये शरीर का धर्म है। लेकिन जो आत्मा का धर्म क्या है बोले आत्मा का धर्म है परमात्मा की सेवा करना और ये जो जगत का जो धर्म है तो नष्ट हो जाएगी जन्म जन्मांतर बदलती है लेकिन जो आत्मा की जो धर्म की कभी नष्ट होने वाले नहीं। इसलिए बोले सबई पुंसांग पर धर्म जीव मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो जीव है हम सबके सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव
तुमेव विद्यां दर्पिण तुमेव तुमेव सर्वम मम देव। भगवान ही हमारे पिता माता भाई बहनों, इसलिए कृष्ण गीता में भी कहते हैं अर्जुन मम मांस जीव लोक जीव भूत सनातन। जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सबके सब भगवान के बच्चे हैं, तब हमें क्या करनी चाहिए? पिताजी की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे फिर क्या होगा? हमें अपने आप शांति मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर प्रभु की भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, सारा दुनिया धर्म को तुमने जाते रखी, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं किया, लास्ट में जीरो है। रिजल्ट जब दिखेगा ना, लास्ट में जीरो है। देखो गोस्वामी जी एक सुंदर उदाहरण दिए, वो कहते हैं राम नाम की अंतरे सब साधन की सुना, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे दस गुना। देखो ये चीज को समझो, जैसे एक रखर के अगर सीधा हाथ में एक सुना दो, कितना होगा बोलो? कितना होगा बोलो? एक रखर के एक जीरो दो, कितना होगा? दस। पहले क्या था? एक था, लेकिन जब एक जीरो दे दिया कितना हो गया? दस हो गया, वो एक दस गुण हो गया। और एक जीरो दो कितना होगा? सौ। पहले था दस, लेकिन जब एक एक जीरो दे रहे ना, वो दस दस गुण बढ़ता है। और एक जीरो दो कितना होगा? हजार। अभी वो कह रहे हैं अभी एक को हटा लो और जीरो दो, बताओ कितना होगा? बोलो कितना होगा? जीरो। ये चीज को समझो, बल ये जीरो क्या? बल संसार जीरो है, संसार जीरो है। संसार का जो परिचय है ना, जैसे किसी धर्मशाला नहीं तो किसी होटल में रुको, देना कलकत्ता बम्बे मद्रास बहुत बहुत जगह से लोग आते हैं, बैठ करके रात उनको गप्पे मारे, लेकिन सबर होते गए सबके साथ। सबसे संसार से गए, ये संसार जीरो है। हमने जो पति पुत्र बेटे सब है, ये गप्पे मार रहे हैं, तुम्हें बीबी और मेरे पति हो, तुम मेरे बेटा मेरे बेटी, जिसको समय आएगा ना वो यहाँ से सबको उतरना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उतरना पड़ेगा कभी यहाँ से। लेकिन ये जीरो भी हीरो हो सकता है, कैसे? अगर एक में जुट जाए तो वो जीरो एक हीरो हो जाएगा। बोले भैया एक क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम एक है। अगर ये संसार अगर प्रभु के साथ में जुड़ जाए, फिर संसार नहीं, फिर तो नहीं भगवान की धाम, ये घर नहीं, ये भगवान की वृंदावन धाम बन जाएगा। लेकिन भगवान भक्ति से कोई मतलब नहीं केवल पैसा कमाओ खाओ और मर जाओ, अब बच्चों को जन्म देकर मर गए। बोले भैया अंक रहे दस गुना, अगर प्रभु की भक्ति में नहीं पूरा तो सब लास्ट में। बोले राम नाम सत्य है, हर गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्य है, सब विवाह छोटा है। बोले बेटा जितने प्रभु का नाम लिया ना वही याद रही, वो बीवी बच्चे पत्नी जाएगा तो रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, उसका आगे नहीं जाएगी। परिवार जाएगी तो शमशान तक कहीं जाएगी, उसका आगे कोई नहीं जाएगा। आगे क्या जाएगा? भगवान का नाम ही जाएगा, भगवान की भक्ति ही जाएगी। इसलिए कहते आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब भगवान की भजन करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, इसको द्वारा ही आत्मा को परम शांति मिलेगी। बल दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था बोलो? कौन बोलेगा? बोले दूसरी प्रश्न क्या था? बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान मिलेंगे कैसे? तो उसकी उपाय कहते हैं बोले कलयुग के बलना मां आधारा। बोलो कलयुग के I'm
कोई परिश्रम की बात नहीं करती। भगवान को पता कलियुग का जीव सादा परिश्रम कर नहीं सकते, इसलिए भगवान कलियुग में सबसे सरल उपाय है। सत्ययुग में ध्यान करते देखो लाख लाख साल तक बाल्मीक नाम क्यों पड़ा, उन्होंने ऐसे तपस्या की सारा शरीर दिमाग चाट दिया, इतने कठोर तपस्या कर रहे थे, इतने तपस्या इतने ध्यान करते थे। कलयुग में अगर एक दिन कोई व्रत रखता है, कोई एक दिन कोई व्रत रखे, बोले भैया ये काम कर लो, बोले आज हमने व्रत रखा है, मतलब कलयुग में एक दिन भी बिना खाए पे रह नहीं सकते हो, इसलिए भगवान करेंगे कर नहीं सकते तपस्या। तृतीया दिन में था यज्ञ, अभी यज्ञ करने के लिए आपको शुद्ध ब्राह्मण चाहिए जो सही सही मंत्र उच्चारण करे, ऐसे नहीं तंबाकू बीड़ी फूंकता है उसका मंत्र कोई काम नहीं करेगा। फिर हवन सामग्री भी मिलावट घी, बोलेगा प्योर घी लेकिन उसमें पता नहीं कौन चर्बी मिला हुआ, देवता लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अरे मंत्र सही उच्चारण होनी चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा सीधा फल होगा। इसलिए उन्होंने कलयुग में फिर एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसा खर्चे, कहाँ से पैसा लगेगा, इसलिए भैया यज्ञ करने का जरूरत नहीं। खैर तो आप अर्चन, अभी अर्चन करने के लिए पहले पंचामृत लाओ, दूध दही शक्कर और घी शहद पंचामृत लाओ, फिर धूप दीप नैवेद्य रोज रोज इतने फूलों की माला थोड़ा सा उपचार, भैया कलयुग में इतने कहाँ से कमाएंगे जो इतने खर्चा करेंगे। इसलिए भगवान ने देखा कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा जाए जो बिना पैसा बिना कष्ट से अपने आप हो जाए। देखा भगवान का नाम, ठाकुर जी की नाम, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे पत्थर को उठा करके पानी में फेंको क्या होगा, देखा उसमें लहरी आएगी, लहरी आएगी, फिर दो बार आएगी, फिर तीन बार आएगी। उसी तरह जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, यहाँ पर कितने भक्त बैठे हो, कहते 300 भक्त लोग बैठे हो, जब 300 व्यक्तियों का मुंह से जब भगवान के नाम निकलेगा, इसका जो वाइब्रेशन है, इसका जो तरंग क्या होगा, पूरा बागपत में गूंज उठेगी, पूरा बागपत में। और भगवान का नाम कैसे, कितना मंगल भवन अमंगल हरि, जितने दूर तक ये नाम की आवाज जाए, शास्त्र कहता है किसी तरह का दुख कष्ट बीमारी किसी तरह का कोई आपत्ति वहां नहीं आएगा। इसलिए हनुमान जी कैसे सारी विपत्ति को दूर करते हैं, कारण है दिन रात भगवान के नाम जप करते हैं। रघुपति राघव राजा राम अतीत पावन सीताराम, प्रभु का नाम की बल पर दुनिया की सारे विपत्तियों को हनुमान जी दूर करते हैं। अगर हम भी ठाकुर का नाम जप करेंगे ना, सब विपत्ति हमारी भी दूर हो जाएगी। इसलिए शंकर जी क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जयी जपत महेशा। आप लोग हिंदी समझते हो, कौन कौन हिंदी समझते, देखो ये गोस्वामी जी कहते हैं, बोले महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा। जो व्यक्ति करवट लेने के लिए काशी जाते हैं, शंकर जी उनको कान में भगवान के नाम दे करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले जगत में माता जी क्या करती है, देखना माता जी के आठ हाथों में एक माला है। एक दिन माता जी शंकर जी से प्रश्न की, प्रभु किसका नाम जप करे, शंकर स्वयं कहते हैं बोले राम रामति रम्यति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम बलाद। बोले हे सुंदरी पार्वती, प्रभु राम नाम 1000 विष्णु नाम करने से जो फल है, एक बार राम नाम करने से वही फल। तभी से माता पार्वती सहस्र नाम सुनी प्रिय वाली
जब भी जयी संग प्रिय भवानी शंकर जी कितने प्रिय क्यों भवानी क्योंकि माता पार्वती प्रभु का नाम जप करती है इसलिए सरस्वती की चार हाथ देखना एक माला देखो आप ब्रह्मा जी की चार हाथ देखना एक माला है सत्य सब प्रभु के नाम जप करते कितने 33 करोड़ देवता इस जगत में जो जितने प्रभु का नाम जप किया ना जगत में उतना बड़ा लेकिन इसलिए एक भजन है बोले राम नाम की माला जपेगा कोई एक माला राम नाम की माला जपेगा कोई एक माला कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना करोड़पति कौन बनेगा आता था ना
कौन बनेगा पार्वपति, अमिताभ बच्चन का नाम सुनोगे। इसलिए भगवान यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं लखपति कौन बनना चाहते हैं। हाँ देखो मेरे तरफ में लखपति कैसे बनोगे, जैसे ये माला है इसमें जैसे आठ मूर्तियां हैं, ये चीज को समझ लो, कथा की यही सार है। जैसे ये अंगुल को इसमें स्पर्श नहीं कराते हैं, बोले क्यों, ये गंदा अंगुल ये सबसे पहले निकलता है, तेरे को हम देख लेंगे, तो क्या मेरे को समझ रखे हो। इसलिए अहंकार का प्रतीक है, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं। और यहाँ से जैसे हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। उसमें एक मूर्ति सरकाते हैं, फिर दो बार पत्र दो मूर्ति, देखो कैसे एक लाख होता है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सौ बार हो गया। इसमें 108 मूर्ति है। जब ये माला यहाँ पर समाप्त हो जाती है उसको पार नहीं कराते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे घुमा देते हैं, फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर 16 माला कर लोगे ना, हिसाब से हो गया 25,000। अगर किसने 64 माला कर ली, 1,00,000। ये भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, बोले क्या किया, बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट होगी। भगवान को कहते हैं, बोले भैया ब्याज कितना मिलेगी, बोले दीना दीना बड़त सब आयो आयो जी मैंने राम आज अगर 1,00,000 नाम किया ना, कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। कोई बैंक नहीं इतना जल्दी इंटरेस्ट इतना दे सकता है। 1,00,000 कर बैंक में जमा करोगे ना, फिक्स की बची 7-8 साल में कहीं डबल, और ये ऐसे के धन है 4 दिन में डबल, और अंतिम समय में इसको कोई नहीं ले सकते हैं। अगर इसको पति अगर लुटेगा ना, पत्नी नहीं ले सकती है। अगर पत्नी अगर करके पति नहीं ले सकता है, अगर पिता करेगा तो बेटा नहीं ले सकता है। जो इसी जीवन में ये धन को कमाएगा वही केवल इसी जीवन में इसका मालिक आप बनोगे, अगले जीवन में पूरा ब्याज समेत आपको मिलेगी। लेकिन इसी दुनिया की करोड़ रुपया अगर कमा करके गए, आंख बंद हो गई, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जाएगी, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन ये धन को कोई नहीं ले सकते हैं, ये धन पूरा पूरा आपके साथ मिलेगी। अभी हम लोग इसलिए अभी हम लोग एक माला जप करके प्रभु जी थोड़ी सी हरिनाम से होकर कुछ बात करें। ओम ज्ञानेन्द्रियार्थया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमो। विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांशिल श्रीधर्मसारथि नामिने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैतगदाधर शिवासादि शिवगौर भक्तवृन्द सभी एक बार महाप्रभु बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 प्रणाम करते हुए मेरे शिक्षक गुरु भागवत श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णियों माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में हृदय होकर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश है कुछ हरिनाम के ऊपर ही कुछ बोलने के लिए। मैं कुछ बोलने से पहले आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कल से ज्यादा भीड़ है, कल जितनी थी आज उसे ऑलमोस्ट दुगनी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि
कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो। एक से सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कुछ बातें बोल रही है भागवत सुनने के लिए। तो देखो हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? भूख मिटाने के लिए। अब भागवत सुन रहे हैं, इसको क्यों सुन रहे हैं ये जानना अति आवश्यक है। कोई बता सकता है कि भागवत श्रवण करने में क्यों आया है? जो पढ़ाने वाले वो शांत बैठे हैं। तो देखो हम लोग पूरे, अब इसको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एंड तक सुनेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या है। बोले हम लोग पूरे दिन में जितने भी कार्य करते हैं उसके सिर्फ दो पर्पज होते हैं। मैं मुझे बता सकता हूँ दो पर्पज क्या है? जितने भी कार्य हैं सुबह उठने से लेकर दोबारा रात को सोने तक और फिर दोबारा उठने तक, उसके बीच में जितने भी कार्य करते हैं हम, ऑफिस जाना, खाना पीना, उठना, बच्चों के साथ बात करना, बीवी के साथ बात करना, घर वालों के साथ बैठना, इसके सबके सिर्फ दो ही पर्पज होते हैं। कोई बता सकता है वो दो पर्पज क्या है? दो ही कारण है। क्या दो कारण है? कौन बोले कहा? कोई नहीं, दो कारण है। पहला दुख से छुटकारा, दूसरा सुख की प्राप्ति। जॉब करते हैं इसलिए वे कंगाली ना आ जाए, क्योंकि कंगाली आ गए तो घर के बाहर जाना पड़ेगा। मेरी बोलेगी जब खाना खाने बस नहीं तो मुझे घर पे लाया करो, इसलिए जॉब करते हैं। फिर दूसरा उस जॉब के बाद जो पैसे आएंगे उससे हमें क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त होगा। पूरी जिंदगी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इसी में बिता देते हैं कि भैया सुख प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो और सुख प्राप्त हो। लास्ट तक किसी को सुख मिलता है? मैं बोलते कि भैया नहीं, हमारे कुंबे में एक था वो कह के गया कि मैं सुखी था। कोई हाथ खड़ा करके बोलते कि नहीं भैया हम सुखी अपने जीवन में? कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। फिर क्यों कर रहे सब? बोले फिर करें क्या? प्रश्न उठता है भाई करें क्या फिर? बोले जैसे गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र हरिनाम ही है जो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति करा सकता है। बोले क्यों? बोले हमने सोचा कि चलो खाने में सुख मिलेगा, खाना खाया, अच्छी अच्छी डिश खा ली, चार घंटे बाद फिर भूख लगी, वो सुख क्या हुआ? टेम्पररी था, खत्म हो गया। फिर चार घंटे बाद भूख लगी, फिर खाना खाया, फिर भूख मिट गई, फिर दोबारा भूख लगी, फिर वो सुख धीरे धीरे क्या होता चला गया, हर चीज धीरे धीरे खत्म होती चली गई। पर एक क्या बोले इन्फिनिटी सुख मिला, मतलब कुछ समय के लिए सुख मिलता है पर हमेशा के लिए सुख प्राप्त हुआ किसी वस्तु से आज तक? वे बोले नहीं, मैं अपनी बीवी से शादी करके पूरी जिंदगी सुखी हूँ। बुद्धे बनाते हैं, बोले जब बीवी से शादी होती है तो क्या होते पहले? सूर्यमुखी, चंद्रमुखी, पहले चंद्रमुखी लगती है, पर एक चंद्र ऊपर भी एक चंद्र हमारे पास कुछ दिन बाद में हो जाती है, पर सूर्यमुखी फिर बाद में ज्वालामुखी, फिर लड़ाई झगड़ा साथी। एक बार एक जज रास्ते से जा रहा था, उसको सुअर मिला, रास्ते में लेटा, उसने सुअर की लात मार दी, सुअर का ही हर्ट हो गया। बोले भैया तुमने मेरी लात की मारी? बोले दिखता नहीं मैं जज हूँ। वैसे मैंने सुना कि यहाँ पर बड़ा होकर बात करने एडवोकेट जज में जाते हैं, है ना? तो अब सुअर का ही हर्ट हो गया। बोले भैया तुमने मेरी लात की मारी? तो बोलते कि दिखता नहीं मैं जज हूँ, मेरे रास्ते में क्यों आया? बोले अच्छा अगर तू जज है तो मुझे ये पता कि तुमसे किस चीज में आ गया। तो बोलता पूछ ले। बोलते अच्छा, बोले तेरे पास कितनी बीवी है? बोलता है एक। बोले पीछे देख, कम से कम 10-15 सूरियाँ लेनी हुई थी, कहीं सारी मेरी बीवियाँ हैं। तो बोलता है, दूसरा क्वेश्चन करता है, क्या तू अपनी एक बीवी को कुछ कर पाता है? वो माथे पर हाथ मारता है, बोले नहीं लिया, ये तो मैं अभी तक कर नहीं पाया। बोले देख वो सारी जितनी 10-15 है ना, सारी की सारी मेरे से खुश है। एक बार एक ऐसी व्यक्ति घर में कार थी, छोटी कार थी, तो पर पड़ोस वाले घर में बड़ी कार आ गई। अब उसकी बीवी उसको बोलते थे कि पड़ोसी ने बड़ी कार ली, तुम तो बड़ी कार लोगे। करते वो बोली देते थे, एक साल दे दिया, पर अब बीवी ने उसकी नाक में दम कर दिया। बोले भैया आप मुझे बड़ी कार चाहिए। क्यों? क्योंकि पड़ोसन रोज मेरे को ताने मारते कि तुम्हारी कार क्या है, छोटी होगी, खटार होगी, देख दो इसको। पति बोलते भैया इसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा।
अब वो जाता है कार खरीदने के लिए, कार खरीदने जाता है तो वहाँ पे काफी सारे लोग उस कार की नीलामी में आए हुए होते हैं, बोलते हैं हाँ बेच लीजिए कार तो ठीक कार। अब जब गोली लगनी शुरू होती है, गोली स्टार्ट होती है 50,000 से, बोलते 50,000 के लिए कोई व्यक्ति है, तो बोलते हैं हाँ भैया मैं हूँ, बोलते 50,000 एक 50,000 दो, तीसरा व्यक्ति को वहाँ पे और कई सारे व्यक्ति थे तो बोलते कि भैया 75,000, ऐसे करते करते एक बोलते 80,000, कोई बोलते 1,00,000, कोई बोल रहा है 1,50,000, तो बोल रहे 2,00,000। अब उसका माथा चढ़ाता है, बोले क्यों, बोले कार की कीमत इतनी है नहीं, कार की कीमत सेकेंड हैंड कार की कीमत कितनी होगी ज़्यादा था, 1,00,000 1,50,000 गाड़ी पहुँची 2,00,000 तक की, बोले कार में क्या खासियत है तो हर कोई इसी कार को लेना चाहता है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारी कार खड़ी है, तो बगल में एक व्यक्ति खड़ा होता है, अब वो पूछता भाई इस कार में से क्या है तो हर व्यक्ति इसी को लेना चाहता है, तो व्यक्ति बोलता है भैया इस कार से 3 बार एक्सीडेंट हुआ है और 3 बार बीवी ही मरी है। तो वो व्यक्ति पहले बात नहीं क्या बोलता है, बोले मैं 3,00,000 देने को तैयार हूँ, बोले ऐसे ही है, बोले वो सुबह बोलते जब तुमने एक पत्नी को सुन नहीं कर पा रही किस चीज में पड़ा है, बोले चल ठीक है पत्नी छोड़, बोलता है तो एक साल में कितने बच्चे पैदा कर सकता है, बोलता है एक, बोलता मैं एक साल में कम से कम 1,000,000 बच्चे पैदा करता हूँ, बोला उस एक बच्चे को बड़ा करने में कितना साल कितना टाइम लगता है, अब भैया अच्छा 12th करते करते 17-18 साल हो ही जाता है, मैक्सिमम 20 साल में हो जाता है, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते 25, फिर उसके बाद जॉब लगनी है तो सेटल होते होते कम से कम 25 साल तो उसको लग ही जाता है, मतलब 25 साल तक बच्चा माँ बाप के उसमें ही जीता है, तो बोलते 25 साल, बोला मैं अपने हर बच्चे को 6 महीने में ट्रेन कर देता, बोले क्या, बोले 6 महीने में अपने खाना कमाना शुरू कर देते हैं, फिर उस सब के बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, बोले क्या, बोले तुम्हें रात को नींद आती है, बोले जज तो तुम हो बहुत ऊँची सीट पर बैठते हो, 4 लोग तुम्हारे आगे चलते हैं सिक्योरिटी का, 4 लोग पीछे चलते हैं, जब घुसते हो सारे लोग खड़े होकर तुम्हें सल्यूट करते हैं, बोले इतना सब होने के बाद भी तुम्हारा घर भी आलीशान होगा, बोले रूम में एसी भी होगा, बोले हाँ है, बोले गद्दा भी सॉफ्ट वाला होगा, बोले हाँ है, बोले नींद आती है, बोले नींद नहीं आती, बोले देख पीछे जो कीचड़ है ना इसमें मैं ऐसे सोता हूँ जैसे अपनी जिंदगी में बादशाह हूँ, तो अब बताओ उसमें जज में और एक सुअर में कौन श्रेष्ठ हुआ, अगर हम उसे कंपेयर करें तो कौन श्रेष्ठ हुआ, तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हमें मनुष्य से रिवर्सी मिला, अगर हमें भी वही सारे काम करने थे, हमें भी आहार की तरह करना थे, खाने में सोने में बच्चे पैदा करने में इन सब में अपनी जिंदगी बितानी थी, तो हमें क्या ये जीवन ऐसे मिला मनुष्य शरीर, फिर उसके बाद हमें फर्क क्या रह गया, बोले सिर्फ एक ही फर्क है, बोले क्या, वो सुअर मंदिर में आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर से प्रार्थना नहीं कर सकता कि हे ठाकुर जी मुझे अपनी सेवा प्रदान करो, वो सेवा क्या है, बोले किसी व्यक्ति को सबसे जल्दी प्रसन्न करना तो क्या उपाय है, तो बता सकता है सबसे जल्दी प्रसन्न करना है क्या उपाय है, ऐसी सेवा काफी सारी सेवा होती है, सेवा की कैटेगरी है, बोले सबसे जल्दी प्रसन्न करना है तो उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, बोले प्रभु जी क्या गाते हो आप, प्रभु जी आपका गला क्या सुरीला गला है, अगर बीवी नाराज होते पति क्या बोलते हैं, तुम्हारे हाथ का खाना कितना सुंदर है, ऐसे करके बच्चे क्या बोलते हैं पिताजी को चाहिए हो, पिताजी पिताजी आप कितने अच्छे हो, तो क्या करते बच्चे उनकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, पिताजी जी बोले बेटा तुम्हें क्या चाहिए तुझे, अब ऐसे ही अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, उनका गुणगान करना पड़ेगा, अब बोले वो गुणगान क्या है, सभी एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे ये माला जब तक मेरे को वापस देना पड़ा, कोई घर में लेना नहीं पाप लगेगा,
लेना तो मैं बाद में समझा करके दूंगा, जैसे नाम करोगे। और देखो जैसे हम लोग करके 300 भक्त लोग बैठे हुए, लेकिन माला तो एक जप करेंगे, लेकिन हमें कितना फल मिलेगा? 300 माला करने का फल मिलेगा। क्यों? जब सब लोग हरिनाम करके सभी का आवाज सभी के कान में जाएगा। माला तो एक करेंगे, लेकिन कितना कितना लाख, सब लोग 4 लाख माला करने का फल मिलेगा। आपका नाम पर बैठ में 4 लाख रुपया एक डिपोजिट हो जाएगी। हाँ, जिन लोगों के पास में पहुंचा ठीक है, जिनको पास में नहीं पहुंचा, आप लोग मेरे साथ साथ में करोगे तो आपको माला करने का फल मिलेगा। इसलिए कोई चिंता नहीं करना, मेरे साथ साथ में करना। बच्चों को नहीं मिला, बच्चों को देना पड़ेगा। हरे कृष्णा, प्रेम से धन्यवाद बढ़ती हो। अरे जोर से बोलो राधे राधे। हरे कृष्णा, आज हरे कृष्णा। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परसों यानी रविवार को 12 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, और उस रथ यात्रा में भगवान को 56 भोग लगता है, और वह 56 भोग आप सबको अपने घर घर से बना के लाना है। कल हम आप सबको एक एक खाली टोकरी देंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको अपने घर से बनाकर क्या लाना है। आपको जो भी बताया जाए, आप वो उस टोकरी में बना के अच्छे से उसे सजा के ऊपर से ट्रांसपेरेंट पन्नी से पैक करके उसे यहाँ वापस इतवार के दिन लेके आना है। जो भी आप लाएंगे वह भगवान को भोग लगेगा, लेकिन याद रखें जो भी आप बना के लाएं उसमें तुलसी जी का पत्ता अवश्य रख के लाएं। और आप ये टोकरी इतवार को यहाँ 3 बजे तक अवश्य पहुँचा दें, क्योंकि 3 बजे के बाद ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कल हमसे आप खाली टोकरी ले लें, और जो भी युवा बच्चे हैं कल यहाँ पर रथ आ जाएगा, तो जो भी रथ सजाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं वे कल सुबह यहाँ पर आ जाएं, ताकि वो हमसे जानकारी करेंगे कि हम रथ को कैसे सजाते हैं। हमारा भी सहयोग हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि रथ को सजाया कैसे जाता है। और आज की जो प्रसाद सेवा है वह हमारे मनीष गर्ग जी के छोटे भाई श्री सचिन कुमार गर्ग व उनकी धर्मपत्नी रितु अग्रवाल, साथ में श्री राजकुमार चौहान व सुमन चौहान की तरफ से है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसमें एक खुशी की बात यह है कि जो हमारे मनीष गर्ग जी के छोटे भाई हैं सचिन गर्ग और उनकी धर्मपत्नी रितु गर्ग की आज 16वीं वर्षगांठ है। तो मैं इन सभी से निवेदन करता हूँ कि वो एक बार से गुरु के चरणों में आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। हरे कृष्ण। देखो जगन्नाथ जी के लिए जो प्रसाद लाओगे ना, अगर ठाकुर की सेवा में एक अन्न का दाना भी भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ता है। इतने महिमा जगन्नाथ जी की सेवा में देने का। श्री राजकुमार जी सुमन चौहान जी भी दोनों आ जाएं, हरे कृष्ण, वो भी गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। देखो भागवत कथा में शादी की सालक का बड़े भाग्य से मिलता है, दोनों दोनों को पहना पड़ेगा। बढ़िया से पता लगेगा। भगवान के दोनों को खूब आशीर्वाद दें, खूब फलते फूलते रहें।
हर जीवन में शांति और सुख मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले। हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा। अगर लास्ट में माला पहन गए ना तो प्रभु हरे कृष्णा। और जो भी भक्तगण इस कथा में या भगवान जगन्नाथ जी के भंडारे में कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो धन का हो चाहे वो अन्न का हो, कोई भी आप सहयोग करना चाहते हैं तो वो हमारे मनीष जी से या लविंदर कुमार गोपाल जी से संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे बोल। आप लोग सब मेरे साथ में माला जप करो, ठीक है? अभी ये सब करो, हम बात करने की अभी वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण में बैठे, ठीक है ना? इसी भाव से शरीर तो यहीं पर रहे और अपना मन मन से श्री वृंदावन में चलो और बांके बिहारी के चरण में बैठ के सभी लोग नाम जप कर रहे हैं। इसका आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर बाहर से बाहर दीजिए। हरे कृष्ण। सब के सब मेरे साथ थे कि आप लोग बाहर निकाल दो, ऐसा शुरुआत करोगे ना? शुरुआत यहीं से करना है। इसे शुरुआत करते हुए आप मेरे साथ में जप करो, सबके सब आंख बंद कर लो, सब जो वृंदावन में बांके बिहारी के चरण में बैठे सब के सब आंख बंद कर दो। आंख बंद करके और मेरे साथ साथ में जप करो। माला तो एक करोगे लेकिन आपको 300 माला करने का मतलब आज आपका नाम कर बैठ में 4 लाख रुपए मिलते होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मंत्र से मिला। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे अब माला पूरी हो गई हम लोग सब माला वापस से देना कोई माला लेना नहीं लग पाप लगेगी सब इसलिए माला सब वापस ले लो लास्ट में जो इच्छा हो तो मैं अपने आप को कुछ बता कर सब माला आप लोग बिल्कुल खड़े हो जैसे हरे कृष्ण सब खड़े हो जाओ और प्रभु जी एक भजन गाएंगे सब सब नाचना कर आरती प्रसाद लेंगे हरि नाम की जय जैसे सिनेमा देखने के लिए जाते हो कब जाते हो पहले जाते हो ना बीच में जाते हो ना बाद में जाते हो सिनेमा देखने को कब जाते हो पहले इसलिए अगर 5:30 बजे ठीक आओगे ना हम कोशिश करेंगे 9 बजे तक तथा को स्टार्ट करें ठीक है कल सबके सब 5:30 बजे अब माइक का भैया 5 बजे तक आ ही जाना अब ये माइक को चालू कर देना ठीक है बोलो वृंदावन बिहारी